हेलो बच्चों, चलो बेटा आज का क्वेश्चन जो भी पेपर आपने दिया अभी नीट यूजी का, आपने देखा होगा बेटा एज इट इज जो भी पढ़ाया गया था डिक्टो सब के सब 90 नहीं 100 बायो क्वेश्चन थे, 100 के 100 आपको पढ़ाए हुए मिले होंगे ध्यान नहीं। और 8 घंटे की जो सुपर रिवीजन क्लास थी आपकी, जिसमें पूरी बायो मैंने कवर किया था, अगर उसको आप देखें जाके, संयोग से उस दिन रिकॉर्डिंग गड़बड़ा गई थी, बीच में डिस्टर्ब हो गया पूरा सिस्टम, नहीं तो आप अगर जो लोग किए थे क्लास अगर देखना, अगर मैच कराना तो 100 में आपको लगभग सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे एक दो छोड़ के। तो आपको ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा यार मैं 15 में ना उनको 15 के 15 हारे थे, ऐसे बहुत से लोग मिले। चले तो मैं एक सलूशन जो भी है, थोड़ा सा कई लोग यहाँ पे मिलने ही आ जा रहे थे मुझे बार बार, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो फाइनली मैं सलूशन आपको एक प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। जो भी दिक्कत आएगा आप उसको पूछ सकते हैं पूरा का पूरा। तो बायोलॉजी पोर्शन में फटाफट बेटा डिस्कस करूँगा कि बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग क्या आंसर बेस्ट होगा उसको देखेंगे आप। चले तो जैसा कि क्वेश्चन, हाँ चल, ये अब मेरे पास एक किसी बच्चे का ही है, चूँकि मेरे पास इतना सिस्टम नहीं था कि मैं इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ टाइप करा पाऊँ, देन मेन दिक्कत यही हुआ, इसी वजह से और लेट हुआ। तो मैं पूरा पेपर को ही मेन शायद आपको दिख जाएगा, स्कैन किया बढ़िया, उसके बाद क्लियरिटी ठीक ठाक दिखेगी आई थिंक। चलिए ये पेपर कोड जो होगा O3, हाँ ऊपर देख रहे हैं जो मेरे पास पड़ा O3 है पेपर कोड, उसके अकॉर्डिंग में आपका बायो का पूरा सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ फटाफट, जहाँ जरूरत होगी वहाँ डिस्कस करेंगे, नहीं तो बस सीधे सीधे आप लोग देखेंगे। बेटा आते हैं बेटा 101 बायो सेक्शन में, यहाँ पे फटाक से देखिए जरा, ये इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो एक सेंट्रोमियर की सिचुएशन दे रखा है बेटा क्रोमोसोम के, और जस्ट देखिए मिडिल में दिया था आपको, ट्रिक बताया था अभी। उस दिन जो लोग आए होंगे भाई मेरे, जो आए होंगे उस दिन क्लास में बहुत मजा आया था, बाकी तो पूरा जो लोग साल भर किए तो मजा तो आएगी, क्योंकि एक दिन की पढ़ाई सिलेक्शन नहीं होता, आपको पूरा का पूरा साल भर सही से पढ़ना होता। मैं मान लो अगर गेस्ट पेपर भी बता दूंगा बेटा तो 100 आएगा नहीं, तो गेस्ट पेपर से आपको भला नहीं होने वाला, तो आपको एग्जैक्टली अगर सेलेक्ट होना है तो आपको साल भर सही से पढ़ना होता, ध्यान देंगे। एक रात अगर एक दिन आपने पढ़ लिया गेस्ट पेपर 20-25-30-40 कर लिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है, तो उसके लिए आपको पूरा कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होता, ध्यान देंगे। आते हैं यहाँ मिडिल में, मस्त बेटा ठोक दो मेटासेंट्रिक, चूंकि इक्वल है मिडिल में तो इक्वल हो जाएगा आपका आंसर, ये हो गया जस्ट मेटासेंट्रिक। इक्वेशन है ये बेटा जीपी भी जो है ग्रास वाली पूरी कहानी देखेंगे यार, इसमें से माइनस रिस्पायरेशन वाला हटाया गया तो नेट प्राइमरी प्रॉपर्टी, ग्रास प्राइमरी प्रॉपर्टी जो टोटल होता है इसमें से जो हटाया गया, तो आर स्टैंड फॉर रिस्पायरेटरी लॉसेज, ध्यान देंगे। तो आगे चलते हैं फटाफट, ये आपका हुआ है 2 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बेटा, इधर के सेक्शन में इंग्लिश वाला ही देखेंगे जिससे जल्दी हो जाए। तो ये देखिए कुछ फोटो क्लिक करने में ऐसा हुआ है थोड़ा तिरछा उरछा, इसको मैचिंग का क्वेश्चन है बेटा। देखिए अब मैचिंग क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सेल विद द एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी अगर आप देखा जाए तो आपको पास क्या आएगा बेस्ट आंसर, एक देखिए बेटा यहाँ मिस्मैटिक, हाँ ऐसी सेल जो रैपिडली डिवाइड हो मिस्मैटिक, तो एक सेकंड आगे कुछ सोचना ही नहीं था, दैट इज द थर्ड ऑप्शन, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं था, थर्ड आंसर आपको यही मिल चुका है बेटा, ध्यान देंगे ये आपका हो चुका थर्ड, आगे आपको मैच कराने की जरूरत नहीं, आप कर लेंगे फटाफट। यहाँ पे जो ईजीएस क्वेश्चन है उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देखें, सेंट्रोमियर देख रहे हैं बहुत तगड़े से चपक के आपको मैंने रटाया था बेटा, सेंट्रोमियर जब रटाया गया था आपको बताऊं मैं, तो बार बार बोला था बेटा एना फेस फर्स्ट सेकंड बस ध्यान देना, तो यहाँ पे सेकंड है एना फेस सेकंड जो होगा यहाँ पे बेटा मियासिस के अंदर सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, ध्यान देंगे। एना फेस फर्स्ट में आपको बता दूं मैं बेटा, मियासिस फर्स्ट का जो एना फेस फर्स्ट था वहाँ पे आधा क्रोमोसोम, हाफ नंबर, नॉट आधा सेंट्रोमियर बेटा, हाफ नंबर क्रोमोसोम ऊपर नीचे गया, 4 में से 2 ऊपर 2 नीचे, बट यहाँ एना फेस सेकंड में क्या हुआ था, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगी, ध्यान देंगे। यहाँ पे जो मूव करे क्रोमैटिड मूव करे, ध्यान देंगे। तो आगे चलता हूँ जस्ट, इसके बाद अगला मैचिंग का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो 104 के बाद ये 105 पे आएंगे, मैचिंग कराएंगे फिर से, देखेंगे बेटा क्रिस्टी दिख गया, तो इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकांड्रिया सीधे आपको देखेंगे, इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकांड्रिया फिर से एक थर्ड, यहीं से ही कहानी हो गया एंड, एक थर्ड बी का फोर्थ हो गया, थाइलेकोइड क्या है भैया, बिग फोर फ्लैटेंड मेम्ब्रेन जो होता है बेटा, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर स्टोमा के अंदर प्लास्टिड वाले, तो इसको मारेंगे हम लोग। एक सिक्के का नाम है बेटा, ये भी खत्म हुआ है 105, 106 पे आते हैं हम लोग, डायड एल्फस भैया डीपी करके ट्रिक बताया, तो उसी दिन जो लोग आए होंगे फैमिली की पूरी कहानी हमने खत्म किया था डीपी नाम से, तो ये डीपी आ ही गया आपको, अक्सर डिस्प्ले पिक्चर आप लोग लगाते हुए ध्यान देंगे, तो डीपी भी आपने देखा। 106, 107 पे आते हैं फटाफट, ये देखिए जीनोगैमी बेटा, पाइलेशन के बिना पेपर नहीं बनेगा, कितने लोग को याद है, श्योर श्योर हमने बताया था बिना पाइलेशन पेपर नहीं आता है, जान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नीट का फेवरेट है। तो यहाँ पे एक है ट्रांसफर ऑफ पाइलेशन गेन करें फ्रॉम एंथर टू द प्लांट, वन प्लांट की स्टिग्मा को, लेकिन डिफरेंट प्लांट है बेटा, डिफरेंट पे जा रहा है, तो इसलिए आपको जीनोगैमी पे जाना है, ध्यान देंगे। जीटेनोगैमी होता तो सेम प्लांट होगा बट अदर फ्लावर होता तब मारते, तो आप 2 ही ऑप्शन थे, इसमें से बेस्ट आपका जीनोगैमी होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। 108 पे आते हम लोग,
प्लांट हार्मोन ने डिस्ट्रॉय करता है वीड्स, हाँ जी ऑक्सिन पढ़ाया था बेटा, उसमें से सिंथेटिक जो होता है सिंथेटिक ऑक्सिन में, तो आपको बेटा बताया था हमने सिंथेटिक ऑक्सिन में, देखिए इसको और जूम करता हूँ मैं, शायद दिखे और अच्छे से आप लोग को। सिंथेटिक जो ऑक्सिन होता है बच्चों उसमें जानते रहें 2,4-D, 2,4-dichlorprolyl एसिड, दिस इज द सिंथेटिक ऑक्सिन था बताया था। सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल है ये, इसको यूज करते हैं हम लोग, मारते हैं डाइकॉट वीट को मारते हैं बेटा, ध्यान देंगे। ये भी कहानी खत्म की हमने, आते हैं बेटा इधर। फॉलोइंग कंटेंट्स दी मैनिटाल, मैं ये सीधे सीधे हमारे क्वेश्चन पेपर जितने अगर आप लोग लगाए होंगे तो कई क्वेश्चन जाके देखना पिछले मॉडल पेपर में या क्लास टेस्ट पेपर में एग्जैक्ट आपको छप के आए, ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर। इक्टोकार्पस, सो ये जानते रहे बेटा मैनिटाल जो ट्रेजरफुल मटेरियल जो हमने बोला है दैट इज फाउंड इन ब्राउन एलगी, तो ये ब्राउन एलगी का ही है, इसलिए आपको रटा होना चाहिए। सीधे बता दें चार्ट देख के जाना, देखना धासू तरह से ये सब क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। आगे आगे डीएनए स्टैंड आने जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस याद हो बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस भैया यूवी रे डालते कैसा बैंड आया था, यूवी रे डालने के बाद आप देखेंगे ये जो बैंड बेटा बना हुआ दैट इज द बैंड का कलर ब्राइट ऑरेंज आएगा, ध्यान देंगे। और जिस बच्चे का ये पेपर है काफ़ी उन्होंने काफ़ी अच्छा भी किया है आई थिंक मैं बताऊँ, बट कुछ चीज़ें उनकी गलत है जहाँ जाए तो आपको हम दिखा देंगे। आते अगला बेटा, अगला पूछा है फिर से एक चार्ट बताया था हमने मैक्रो एंड माइक्रो वाली मेटाबोलाइट, सीधे देखिए यही पूरी कहानी आ गया बेटा। मेटाबोलाइट प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट में ये देखेंगे बेटा, नॉट ए सेकेंडरी वाला नहीं है, मतलब सीधे एक चार्ट दिया था, ये है आपके बुक का अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज जो होता है बेटा, दिस इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, बाकी जानते रहेंगे। यहाँ पूछा नॉट ए सेकेंडरी, तो यही हो जाएगा चूंकि प्राइमरी बाकी सब के सब जितना है ये आपको बताया गया क्लास में, एंटी कंसर्ट ड्रग है ये, एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा ध्यान देंगे, रबर और गम्स ये मार्फिन ये सब कोडिन दीज आल आर सेकेंडरी, बट ये जो आंसर आपका आया है ये आंसर होगा दिस इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट, ये होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ये ध्यान देना है। रीजन के साथ बता दे रहे हैं कौन सा आंसर आपका क्यों हो रहा है, ध्यान देंगे। इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पीसी कंपटीशन इन नेचर विच मैकेनिज्म टू कम्पीटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व फॉर दियर सर्वाइवल, ये बोल रहे हैं बेटा फिर से आखिर कोई चीज़ कंपटीशन हो रहा था उस दौरान कोई भी स्पीसीज को जिंदा रहना है तो क्या करेगी, सिंपल से बेटा अपने आप को वहाँ से अलग कर ले, अपने को अलग कर लेगा तो वहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, तो आंसर शुड बी रिसोर्स पार्टिशनिंग, ध्यान देंगे आप। ये भी कहानी खत्म हुआ। अमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अमेंसलिज्म, भैया जानते रहेंगे एक को माइनस हो रहा है ये वहाँ से माइनस और एक के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा माइनस एंड कोई इफेक्ट नहीं, इसका उल्टा है कमेंसलिज्म को जुड़वा भाई ये बताया था, अगर याद हो कमेंसलिज्म में प्लस और जीरो था यहाँ पे माइनस एंड जीरो आपको बताया गया सीधे सीधे। अगले क्वेश्चन बात देखें टिपिकल एंजियोस्पर्म ब्रियोसाइकिन, ये तो बहुत ही घिसा पीटा पुराना क्वेश्चन है, सेवन सेल एट न्यूक्लियर या फिर एट न्यूक्लियर सेवन सेल मारेंगे आप, ये आपको एकदम से ईजी कई बार हटाया गया है एकदम टिप पे होगा। चलो तो ये बेटा आपको जान दे रहेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आपको करवाए गए, सेवन सेल एट न्यूक्लियर ये भी आपको बताया गया था, कहीं कहीं पिक में देखेंगे या स्कैनिंग कोई प्रॉब्लम है तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पेपर, चूंकि आपके पास होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आयन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट भैया ऑक्सलो एस्टिक एसिड, ये तो एकदम ईजी है बेटा C4 प्लांट है सारगम, अगर किसी को याद हो ट्रिक SMS ये था C4 प्लांट के एग्जांपल, C4 प्लांट के एग्जांपल है, पहला है सुगर केन, सीधे सीधे अगर किसी को याद हो दिस इज वन मेज एंड दिस वन इज सारगम, तो ये सीधे सीधे ये NCERT में एग्जाम्पल तो नहीं था, सीधे नोट्स से क्वेश्चन आया हुआ आप जाके देखना भी SMS ट्रिक सीधे मिलेगा आपको बेटा। तो धासु तरीके से आपने जो नोट्स पढ़ा है जो भी चीज़ें हैं तो आपको पूरा पेपर एग्जैक्टली, मैं पहले बोला था कि मैं एग्जाम के पहले ही बोल रहा हूँ बेटा ऐसा होने वाला है। देखिए आगे आगे प्लांट फॉलो करता है बेटा डिफरेंट, ये सीधे सीधे फिर से पेपर कई अपने पेपर जाके लिखना बेटा, डिफरेंट जो है कि स्ट्रक्चर शो करता है इन्वायरमेंट रिस्पेंस दिस इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, से प्लास्टिक एक मोड़ मार के अगर हम कर दे तो अपना से बदलता है, वही उसी से मैंने कंपेयर कराया था। ये भी हो गया आपका 116 हो गया 117 मैचिंग का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 117 में प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करते हैं बेटा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करता था अगर दो डिफरेंट चीज़ें याद करो पोमेटो पोटैटो प्लस टोमेटो कहानी हो गई, यहीं से आसान आपके लिए आप देख सकते हैं, ये देखें पूरी कहानी बेटा एक प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है तो एक तो यही हो गया पोमेटो, ए का सेकंड कहीं ये आपको नजर ही आ गया है, बी का फर्स्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर, बी का फर्स्ट टोटिपोटेंसी दिख गया, ये बी का फर्स्ट हो गया टोटिपोटेंसी हो गया है, सी का अगर देखिए बेटा यहाँ पे कोई मिस्मेटिक कल्चर है ये है अक्सर हम लोग लेते हैं वायरस फ्री वाला सी का फोर्थ एंड बचा हुआ रिमेनिंग डी का जो थर्ड है तो जानते रहेंगे सोमाक्लोन माइक्रो प्रोग्रेशन छोटे छोटे सीधे सीधे बताया था, यही इस चैप्टर से अगर याद करो भैया जहाँ पे पढ़ाया गया था आपको एनिमल हस्बेंड्री और उसी चैप्टर में था प्लांट की ब्रीडिंग वाला बोला था, अंतिम दो पेज जो वही काम के हैं जहाँ टिश्यू कल्चर था SCP सिंगल सेल प्रोटीन एंड बायोफोर्टिफिकेशन याद हो वही बोला था पढ़ के जाना और वहाँ से ही आपके क्वेश्चन बने, तो आंसर शुड भी यही सेम ये है आपका मैचिंग का ध्यान देंगे। तो ये देखिए बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए एप्लीकेशन ऑफ PCR, भैया देखिए PCR के क्या नहीं है तो आपको थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ सकता है और क्वेश्चन जो है
थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा सा अच्छा लेवल माना जाएगा, ध्यान देंगे। नाट एप्लीकेशन आप PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कौन सा नहीं है तो आप जानते हैं जीन म्यूटेशन डिटेक्शन ये कर सकते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में यूज होता है। जीन एम्पलीफिकेशन का मतलब संख्या बढ़ाना भैया, एम्पलीफायर का मतलब बढ़ाना। तो ये जो है प्योरीफिकेशन नहीं करते बेटा, ध्यान देंगे। तो आंसर हो गया है आपका प्योरीफिकेशन वाला, ध्यान देंगे। आते आते हैं अगले पे 119 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कर ये करेजिनिन। फिर से आपको देखें उसी दिन की क्लास की बात करें भैया, रस से रटे रहो करेजिनिन, करेजा नाम से बोला था रटे रहेंगे अगर अगर करेजा सीधे रेड एलगा से होता है बेटा, ध्यान देंगे। तो आपको अगर जो उस दिन बच्चा क्लास कर लिया हो तो 8 घंटे का, तो उसको बहुत मजा था, चलो ठीक है। फिर भी साल भर पढ़े तो वही सब है, थोड़ा सा यहाँ की क्लैरिटी फिर कम हो गया बेटा। तो देखेंगे आपको छोटा कर देता हूँ मैं। पुनेट स्क्वायर पूछा गया था, सीधे सीधे ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जानते रहेंगे, चेकर बोर्ड की कहानी लिया थी, ये पूरी कहानी जानते रहेंगे। ये चेकर बोर्ड जो जेंटिस का था वही है चेकर बोर्ड जो इन्होंने सहायता से ये काम किया था, ये पूरी कहानी उन्होंने रखा है। एक पौधा है उसका प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाई फ्यूजन जो करते हैं बेटा F1 F2, तो कौन से यहाँ बोल रहे हैं डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं, तो ये चेकर बोर्ड है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से करता है बेटा, ध्यान देंगे। अगर फिर से आएंगे बेटा विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखेंगे थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ जानबूझ के जिससे क्लियरिटी दिखे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है बेटा यहाँ से, विच आर द फॉलोइंग एंड इनकरेक्ट, दे रखा है द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस एंड दैट इज द साइटोप्लास्ट। न्यूक्लियर पोर्स आगे बोल रहे हैं पैसेज करता है, चलो ये बिटवीन ये भी सही जा रहा है। मैच्योर सी ट्यूब एलिमेंट पजेजे, ये देखेंगे इनकरेक्ट, मैच्योर सी ट्यूब एलिमेंट पजेजे कॉन्सेप्ट यूज कभी भी यहाँ पे भैया नहीं होगा। तो आपका ये है न्यूक्लियस नहीं होता बेटा, मैच्योर सी ट्यूब में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट करना था, तो ये इनकरेक्ट नहीं यहाँ पे है, ध्यान देंगे। चूंकि बेटा यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने मैच्योर सी ट्यूब में पास करता है न्यूक्लियस होता है बट न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, ये आपके लिए आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे। तो इनकरेक्ट आपका थर्ड है, जिसने भी किया तो उसका गलत है ये आंसर, ध्यान देंगे। आते हैं अगला है बेटा जिम्मा। जिम्मा जो है देखिए बेटा जहाँ पे मार्क इसके हम बताया था, ये नीचे साइड में जो था वही है इसका जिम्मा पार्टिकल जो कि बेटा कराता है वहाँ पे एक सेक्सुअल में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मदद करता है, तो सम लीवर वर्ट में जाएंगे ये आंसर मारे सम लीवर वर्ट। आगे देखेंगे बेटा कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डोगमा, बहुत इजी है इतना देखेंगे तो आपको ये एकदम से बुक का ही क्वेश्चन है, सीधे सीधे वही लाइन DNA से बेटा DNA बन रहा है ऐसे, दिस इज द रिप्लिकेशन, पहला आंसर शायद हो गया ये है, फिर से आपका ट्रांसक्रिप्शन DNA से है, फिर बाद में बना ऊपर सी वाले का नाम ट्रांसलेशन और डी जो है दैट इज प्रोटीन ट्रांसलेशन, ये हो गया मैचिंग का क्वेश्चन, ध्यान देंगे। तो 23 हो गया, 24 में इतना जूमिंग दिख रहा है इतना, ये क्लियर आ रहा है, चलो बेटा ठीक है। 124 पे आते हैं, थोड़ा सा आपको देखिए सीधे सीधे फिर से अब क्या बताएं, एकदम पूरा पूरा पेपर ही छपा, अगर देखिए सीधे ट्रिक पूछ दिया है फिर से PCR का DAE डाई करके, हमने बोला था बार बार DAE डाई नाम से रटे रहो भैया, ये अक्सर मजाक भी बनाते हैं डाइन कर देते हैं हम, वही डीनेचुरेशन एनलिंग एंड ये आपका आंसर है दैट इज द थर्ड, ध्यान देंगे। डाई याद रहेगा डीनेचुरेशन एनलिंग एंड एक्सटेंशन ध्यान देना है। ड्यूरिंग अगला है फिर से बेटा प्रोसेसिंग जब करते हैं बेटा प्रोसेसिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल से हम लोग क्या निकाले थे भैया, ये फिर से आपके बुक का ही क्वेश्चन है लेकिन सीधे सीधे बहुत इजी, आपके कई बार के टेस्ट पेपर से ही हैं सब पेपर से क्वेश्चन। म्यूटेशन भैया गामा रे जानते रहोगे बेटा, ये है गामा रे म्यूटेशन काज करता है बेटा, जानते रहेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार पूछा गया है बेटा। आगे 127 पे आ चुके हैं बेटा हम लोग, ये भी ट्रिक देखें फिर से बताया गया बेटा, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट सही है बेटा, पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड क्वेश्चन अपराइट ये भी सही है ग्रासलैंड में, पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए सी जनरली इन्वर्टेड दे रखा है, और आगे दे रखा है पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए सी जनरली अपराइट कभी नहीं होगा, चूंकि याद करो BP NT दो ही तो थे, ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर चूंकि नॉट पूछा है, चूंकि ये होता है इन्वर्टेड, रियल में क्या होता है इन्वर्टेड होता है बेटा, ध्यान देंगे चूंकि BP NT ट्रिक याद हो तो ये बायोमास में पांड वाला हो या फिर यहाँ पे दे रखा उसी चीज़ को सी, तो आप वही ले लेना एक्वाटिक वाले में। 128 में आते हैं बेटा यहाँ से मैचिंग का क्वेश्चन, फिर से इन्होंने दे रखा है मैच करो फॉलोइंग को, आप देखेंगे लेंटिसल सीधे सीधे फिर से उस दिन सीधे बोला भैया पढ़ के जाओ एक्सचेंज आप गैसेज कराता उड़ी सिस्टम में, याद करो सीधे एक का थर्ड पे ही मैं पहुंचूं तो सीधे आंसर ही खत्म हो गया, और कुछ मैच ही नहीं कराना है आपका, यही हो गया फोर्थ वाला सीधे आपको ये थे थर्ड सीधे आप पहुंच गए हैं पूरी कहानी में। आगे चलते हैं 129 में बेटा, साइट ऑफ परसेप्शन लाइट फोटोक्रोमेटिज्म में जानते रहेंगे बेटा, जो लाइट का परसेप्शन एरिया दैट इज कॉल्ड लीफ होता है, ध्यान देंगे। बाकी फाइटोक्रोम में जो है वहाँ पे देखिए तो प्लाजो एम्ब्रियोग्राम मारते हैं लेकिन यहाँ पे आपको लीफ मारना, ध्यान देंगे। बाकी एम्ब्रियो टिप वगैरह अगर बता दे बेटा तो वर्लाइसन में होता है, ध्यान दीजिए एम्ब्रियो टिप जो होता है बर्ड पक्षर वहाँ पे मारते हैं हम लोग वर्लाइसन का, और यहाँ पे है ये आंसर आपका
130 पे आ गए जेनेटिक ड्रिफ्ट फॉर्म्ड एंड रिफिट। बोला था हमने बेटा इवोल्यूशन में आपको हमने जहाँ जहाँ बताया था इवोल्यूशन में जाके देखना, पेपर इसके बिना नहीं बने, वही पढ़ जाना। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आया होगा, आगे भी मिलेगा। एसी डीसी जो भी बताया था ट्रिक आपको भैया, एनालॉगस से कन्वर्जेंट करेगा, होमोलॉगस डाइवर्जेंट, और सीधे ये बताया था हाडी मरला, और सीधे देखिए उसी में से ही आया, उससे बाहर कुछ भी नहीं आया है। आप जाके उस दिन की क्लास याद करो बेटा, क्या क्या गेस करके आपको बताया गया पेपर। तो आगे आएंगे, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस एंड कैल्शियम। अर्थ में देखो है या तो मिट्टी में देखो पा रहा है बेटा, मिट्टी में स्टैंडिंग स्टेट हमने बोला था ये इनऑर्गेनिक है। अक्सर मारना बेटा ये जो भी ये न्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं, जो भी कार्बन चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे इससे मतलब नहीं है, सॉयल है। सॉयल मतलब ये नॉन लिविंग में है, तो ये मारेंगे आप लोग नॉन लिविंग में, ये मारेंगे बेटा। ध्यान देंगे स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप होता है, तो हम लोग बताए थे इसका जो बायोमास था स्टैंडिंग क्रॉप, ये लिविंग था। क्रॉप लगाया तो फसल होगा, तो ये लिविंग बायोमास था बेटा, ध्यान देंगे। तो लिविंग बायोमास के लिए हम लोग ये मारते हैं बेटा। तो आपको एग्जैक्ट पूरी कहानी में फटाफट दिखाते चल रहा हूँ। 131 के बाद आगे आते हैं 132 पे हम लोग फटाक से, 132 पे फिर से मैच करा लो बेटा। इसको थोड़ा छोटा करते देखें, पिक्चर थोड़ा सा कम है, रिजोल्यूशन इस पे आते हैं। 132 पे अगर दिखाएं मैच, फर्स्ट को सेकंड से मैच कराना, फिर से आप देखें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन जो होता है सेम के बीच होगा बेटा, एक आंसर देख लें। ए के म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर, आपस में वाटर वाटर के बीच है। ए का सेकंड मिल चुका है आपको, आंसर जा रहा है ए का सेकंड। आगे चलते हैं, फिर बी का फोर्थ है एडिशन, बी का फोर्थ ठीक है, ये है बी का फोर्थ। एंड सी का फर्स्ट अगर देखा जाए, सरफेस टेंशन सी का फर्स्ट, लिक्विड फेज में होता है पानी का फैलने की ताकत। एंड लास्ट वन डी का थर्ड है, आप देखो वाटर, ये भी बोला था क्वेश्चन आए तो गटेशन एक्सुडेशन याद करें पूरा का पेपर वही, देन आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन मैचिंग का। तो आप देखिए उस दिन का कहानी, अगर जो लोग मिस किए होंगे अगर क्लास तो बहुत पछता रहे होंगे, ध्यान देंगे आप। चलो बेटा इधर आए, 133 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 133 पे आते हैं। द जीन विन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन, ये बोल रहे हैं जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं इंडिविजुअल्स टिश्यू टू ट्रीट डिजीज नोन एज। अब ये बोल रहे हैं विन ए जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन करा रहे हैं बेटा, कोई भी व्यक्ति है ट्रीट करना उस डिजीज को। अब देखो जीन को ही हम टारगेट कर रहे हैं बेटा, तो जीन को ही मरम्मत करना, दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। जिसने भी किया है उसका पेपर में आंसर गलत है, ध्यान दें जीन थेरेपी इज द बेस्ट आंसर होगा। जिन लोग भाई लोग का हो देख लेंगे आगे, जनरल लाइक सिलेजन। अब ये तो भैया क्लास का ही ऐसा ट्रिक धासु आपको बता दे तो एकदम जुबान पर हट सलमा आई, हट फॉर हेट्रोस्पोरस सलमा से लेना ले, एंड सल से नाम सलमनी, अब सल से नाम सलमनी, सीधे सीधे सलमा आ गई है भैया, आपका पेपर ही पूरा का पूरा आउट हुआ था उस दिन का, ध्यान देंगे। चले 135 पे आते हैं, इस पे क्वेश्चन आपका ये है, आप दिखा रही मोनोसियस से कारा भैया, मोनोसियस के मतलब बाईसेक्सुअल है बेटा, ध्यान देंगे। ये बाईसेक्सुअल होता है जैसे कि आपको बताया गया था, मेल फीमेल एक ही बॉडी पार्ट में, ध्यान देंगे कारा। और डायग्राम जाके देखें कि हमने बताया था पूरा कहानी दिखा के आपको। आते हैं अगले सेक्शन बायोलॉजी में, बॉटनी भैया 115 में से आपको 15 भी आ रहे होंगे, सबके सब पढ़ाया गया है। आगे बोल रहे हैं व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आपको बोला था फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, अगर न रट पाना था हमने बोला था टी फॉर थर्ड रटे ना, थर्ड का पूछा है टी से टीआरएनए वही बनता है, एक ही ऑप्शन, कोई सोचना ही नहीं था जिस बच्चे को, टीआरएनए बना, 5 SRRNA बना, एंड SRRNA सीधे आपका फोर्थ आंसर हो चुका है, ध्यान दीजिए। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पे आते हैं बेटा, फिर से यहाँ पे कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे देखें। आगे दे रखे हैं ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स कॉल्ड सेप्रोफाइट, गलत गलत सीधे, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड सीथ, ये भी गलत है। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स कॉल्ड कैरियोगेमी, गलत है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन द टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मा, ये है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, दिस इज आंसर, जानते रहेंगे फोर्थ सही हुआ है बेटा, ध्यान देंगे। आते हैं अगला 137 बाद, 138 पे फिर से है मैचिंग का क्वेश्चन, और फिर से बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा आपको। देखिए बेटा आसान इतना बोलेंगे कि ये देखिए जरा, आगे नाइट्रोकोकस दे रखा है, राइजोबियम दे थायोबैसिलस, अगर एक भी कोई अगर चूज कर लो यहाँ से, सबसे पहले मान लो सबसे इजी डी नाइट्रिफिकेंस सबको याद ही रहता है। चलो मैं ए के इस पे सी पे जा रहा हूँ, फर्स्ट डी नाइट्रिफिकेंस, तो आपके सी के सी का थायोबैसिलस डी नाइट्रिफिकेंस, अगर सी पे फर्स्ट जाएँ तो एक ही ऑप्शन मिला मुझे सीधे, ये धड़ाम हो गया, थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हैं, बाकी मैच करा दें। ए का सेकंड है नाइट्रोकोकस, ए का सेकंड कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट है, नाइट्राइट बाद याद करो नाइट्रेट बोला था इसका नाम था नाइट्रिफिकेशन पूरा स्टेप। बी का फोर्थ जा रहे हैं राइजोबियम है, बी का फोर्थ सबसे ऊपर आया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया, ये पूरी कहानी है आपको, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है बेटा। सी का फर्स्ट आपको हो चुका है, और डी का जस्ट नाइट्रो बैक्टर हो चुका है डीनाइट्रिफिकेशन, पूरी कहानी हो गई खत्म। 138 बाद आते हैं, 139 पे ये क्वेश्चन एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन, और ये आएगा एक टफ लेवल में आएगा, एक टफ लेवल जिसे बोल सकते हो, कुछ क्वेश्चन है दो ही चार ऐसे हैं, बाकी तो सब मीडियम एवरेज ही है, ध्यान देंगे। प्लाज्मिक पीबीआर 322 में पीएसटी फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन द जीन,
अगर देखो बेटा ये प्लाज्मिड 300 PBR 322 इधर पाया गया था बेटा, बाम साइट अगर याद हो, ये बाम साइट है और ये पाया गया था PST वाला साइट। इधर देखेंगे, इधर जो है PSI ये है पूरा का पूरा कहानी, PST फर्स्ट। और अगर किसी को याद हो ये PBR 322 है, इसमें बेटा अगर याद करो इधर पाया गया था भैया टेट वाला कहानी, टेट रेजिस्टेंट, और इधर पाया गया है AMP रेजिस्टेंट वाला जीन। ये ध्यान देना, एक बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। अब ये बोल रहे हैं PST फर्स्ट एंजाइम साइट विद इन द जीन एम्पिसिलिन, ठीक है, दैट कन्फर्म एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, कन्फर्म कर दिया कि ये एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट है, ठीक है। इफ दिस एंजाइम इज यूज फॉर इंसर्टिंग ए जीन फॉर ए, अगर बोल रहे यही एंजाइम यूज करे इंसर्टिंग एक फॉरन जीन, जीन फॉर ए बीटा ग्लूटामेट प्रोडक्शन, इस एंजाइम प्रोडक्शन कराना और कोई चीज इंसर्ट कराना, एंड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंसर्टेड इन यूटिलाइज्ड स्ट्रेन। अब क्या हो गया बेटा, अब देखें क्वेश्चन क्या होता है, इतना आपको कट करके हटाना है, इतना इधर आपने इंट्रोड्यूस किया है, इधर कट करके इतना कोई चीज़ हमको यहाँ पे फॉरेन चीज़ें लाना है, ध्यान देंगे। अब यहाँ से कोई चीज़ हमको लाना है इस साइड, तो इधर कटा किधर बेटा, इस साइड काटा गया है, तो आप ध्यान देंगे इधर कोई चीज़ हमको जोड़ना है इस साइड, तो इधर देखेंगे ऑप्शन। अब इसके हिसाब से देखिए, इट विल लीड टू लिसिस ऑफ होस्ट, चलो गलत है ये, आगे पूछा इन्होंने क्या क्या कहानी होगा, इट विल एबल टू प्रोड्यूस ए नोवेल प्रोटीन, कुछ मतलब का नहीं भैया, नोवेल प्रोटीन कैसे बन जाएगा भैया अचानक से, अभी काम ही नहीं किया। इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर्म एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टू द होस्ट सेल, आगे देख सकते हैं बेटा, चूंकि इसका देखो ये लुल हो गया, हमने बोला था ये भुजा बेटा इधर लेफ्ट साइड की लुल हो गई, तो इससे लड़ने के लिए क्षमता नहीं रहा, तो आपका आंसर ये जाएगा थर्ड, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपकी पूरी कहानी यहीं से हो जाती खत्म। तो 139 हमने बता दिया जो बेस्ट आंसर था, 140 पाते मैच करना है फॉलोइंग बेटा, ये पूरा पूरा फैमिली दे रखा, फैमिली के बारे में इतना साढ़ का ट्रिक बताया गया था, आप देख भी सकते हैं बहुत मजेदार तरीके से आपको बताया गया था पूरी कहानी। अगर देखिए बेटा इस फैमिली में आप देखिए एक भी पहचान लिया अगर आपने, सिंपल सी बात है, अगर देख ले इसमें शुरू करते, चलिए मान लो मैं आपका शुरू करता हूँ, पहला ही ब्रश कैसी, अगर आपके सिलेबस नहीं तो मान लो यहाँ पे क्रॉस पाया जाता है बेटा, ये कैलिक्स एंड करोला जो भी, तो कैलिक्स क्रॉस वे में है इसलिए 2+2 लिखा जाता है, तो आपको सीधे जा रहा है डी का फर्स्ट मान लो है यहाँ पे, चलो ए से शुरू करते हैं, ए का सीधे सीधे ये देख लो भैया, डायडल्फस कंडीशन देख लो, 9+1 यहीं पाया गया, तो ए का सीधे थर्ड मिल गया है बेटा। बी का जो है कि सीधे सीधे देखेंगे, ये जो है बी का जा रहा है सोलनेसी का करेक्टर, ये जा रहा है ईपी पेटलस वाली कहानी, बी का फोर्थ गया, एंड सी का जाएगा आपका देखेंगे सी का सेकंड, ये देखिए बेटा फिर से है पेरियंथ आ गया, पेरियंथ इज द फीचर ऑफ लिलियसी, ये है सेकंड, एंड लास्ट मनी जो बच्चा डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट जो हमने शुरू में बता दिया था, ये इस तरह से आपका जो भी बच्चा था उसका सही हुआ है, दिस इज द थर्ड आंसर, ये ध्यान देंगे। आपको मैचिंग भी करा दिया हूँ मैं, पूरा कहानी बताया था भैया, पूरा डायडेल्फस कंडीशन कहाँ है, पेरियंथ कहाँ है, पूरी कहानी आपको वही छप के आया है बेटा, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं बच्चों, हम फिर से इधर 141 पे आते हैं, 141 क्वेश्चन विचार दे, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एटीपी सिंथेसाइज थ्रू द कॉम्प्लेक्स फिक्स, बोल रहे हैं आगे बोल रहे हैं फटाफट देखिए, इनकरेक्ट पूछा है इसमें, ठीक है कॉम्प्लेक्स फिक्स होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन द रिस्पायरेशन, बोल रहे हैं ड्यूरिंग द एरोबिक रिस्पायरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज इन ETS, बोल रहे हैं वन मॉलिक्यूल DNA प्लस S+ गिव राइज टू द 2 ATP मॉलिक्यूल, ये देखो यही आ गया वन मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच, सीधे सीधे आपको मिल गया, अगर कुछ भी नहीं तो इनकरेक्ट बेटा आपका ये, जो कि सही नहीं है, चूंकि वन मॉलिक्यूल वन NADH जो देता है 3 ATP बेटा देता है, ध्यान देंगे दिस इज द 3 ATP देता है, ये आपको बताया गया, तो आंसर ये हो जाएगा 141 का, ध्यान देंगे इनकरेक्ट, बाकी ऊपर का आपका सही था। 142 पे आते बेटा फिर से मैचिंग का है आपका, सीधे सीधे बायो मॉलिक्यूल से आ गया क्वेश्चन, ध्यान देना है आपको। 142 पे बच्चों हम लोग आते हैं, 142 का है मैच करना है फर्स्ट को सेकंड से, अगर देखे ए पे सीधे आओ, ए है अगर मान लो प्रोटीन बांड, पूछा भैया दुनिया में जितने बांड थे आ गए एक साथ, ए का फोर सीधे सीधे मैचिंग बता, सीधे लिखा गया नोट्स में कैसे कैसे हुआ है, सीधे वही क्वेश्चन ही छपा है। बी का आप देखिए बेटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, बी का हो जाएगा अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ पर डबल 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 बांडों के कारण बी का सीधे आगे बढ़ना ही नहीं, मिल गया और आगे बढ़ जाओ, सी का सेकंड हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड है, चूंकि न्यूक्लिक एसिड में फास्फोडाइस्टर बांध है बेटा, बाकी बचा है एक ही बचा है, आपको देख सकते हैं डी है, दैट इज द डी में है पॉलीसेक्राइड, तो ग्लाइकोसिडिक बांड होगा बेटा, ध्यान देंगे तो डी का हो गया है थर्ड, तो आंसर आपको जिस बच्चे का था सही है, थर्ड हो चुका है, ध्यान देंगे। DNA फिंगर प्रिंटिंग इन्वॉल्व, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, DNA फिंगर प्रिंटिंग में बोल रहा है कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना डिफरेंशियल सम रीजन, तो जो सम रीजन में आइडेंटिफाई कर डिफरेंशियल दैट इज कॉल्ड बेटा, बार बार बोल रहे हैं रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस बोलते हैं, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं 144 पे आते हैं फटाक से हम लोग, 144 पे फिर से मैचिंग क्या है, सेल बायोलॉजी क्वेश्चन देख रहे हैं, काफ़ी ठीक ठाक आए हुए मात्रा में, ध्यान देंगे। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ आई थिंक सबको जिससे दिखे बाद में, चलो बेटा इस पे आते हैं।
मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड के मैच कराना, सीधे सीधे आपको कौन सी घटना कहाँ हो रही है बेटा। अगर यस पेज की बात की जाए डीएनए रिप्लिकेशन, सीधे कोई कन्फ्यूजन नहीं, बच्चा बच्चा कर लिया होगा। बी का अगर देखें फर्स्ट पे आते हैं, जी टू फेज में है प्रोटीन सेंसिस, ये हो गया बी का फर्स्ट, आगे कुछ करना ही नहीं था चूंकि दोनों से ही मैच कर गया, तो सी का सेकंड हो जाएगा। सी का इनएक्टिव फेज है क्वेश्चन जानते रहेंगे, एंड द जी वन फेज दे रखा है सीधे सीधे थर्ड ऑप्शन में इंटरवल बिटवीन, ये दे रखा है, पूरी कहानी हो गई खत्म। तो ये आंसर आपका है यहाँ पे फर्स्ट, ये भी आपका करा दिया गया। तो बेटा 144 भी खत्म हो गए, 145 पे आ गए हैं, धीरे धीरे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट पे आए हैं। बेटा हम लोग फिर से पूछ रहा है रिकॉर्डिंग स्टैंड इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपी टू एन एमआरएनए, चले इस पे चलते हम लोग, ठीक है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, करेक्ट पूछ रहा है। इन कैपिंग मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट एडेड टू द थर्ड, ये गलत है, टेलिंग होता है बेटा। थर्ड पे क्या होता है भैया, थर्ड पे जो होता है टेलिंग होता है, कैपिंग होता है, फाइव डैश में ध्यान नहीं। आगे चलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज, ये गलत है पूरी तरह से। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू होता है विद रो फैक्टर, अगर आपको याद हो भैया, रा से रोकने वाला फैक्टर, रो फैक्टर टू द टर्मिनेट प्रोसेस ट्रांसमिशन, ठीक है बैक्टीरिया, फोर्थ सही है। बाकी अगर मोर देन वन भी कुछ लोग देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आपका, ये बेस्ट आंसर हमने दे दिया। 145 चौथा है, सीधे सीधे क्या पूछा है देख लो फिर से भैया, करेक्ट पूछा है तो करेक्ट है आपका, रोक से रोक देता है, ध्यान देंगे। 146 पर आते हैं फिर से बेटा, करेक्ट सेलेक्ट पेयर करना है, करेक्ट कौन से इसमें से है निम्नलिखित में, अगर देखें सेल सेमिडरी दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियम रिंग, आगे देखेंगे बेटा कैम्बियम रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिडुलरी रे में जानते रहेंगे बेटा, ये बोल रहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं, अगर आपको याद कराएं ये पूरी कहानी, अगर देखें बेटा पूरी कहानी में देखें जो अंदर होता है कैम्बियम उसका नाम होता है वेस्कुलर कैम्बियम, और दो वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में जो कैम्बियम बाद में बनता है बेटा मिडुलरी रे के द्वारा जो बनता है, आपको बता दूं यहाँ पे जो बनता है ये मिडुलरी रे जो होती है यहाँ की सेल डिवाइड होती है, चूंकि दो के बीच बन रहा है इसके और इसके बीच, दैट्स वाई यहाँ का जो चीज़ बना दिस इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये जो बना बेटा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, और ये जो कैम्बियम पहले से अंदर था दिस इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर बोलते थे हम लोग, दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था बच्चों, ये ध्यान देंगे। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आल्सो नोन एज वेस्कुलर कैम्बियम, यही वेस्कुलर कैम्बियम था बेटा, ये ध्यान देना है। आपकी पूरी कहानी हमने दिखा के बता दिया कैसे एनुअल रिंग बनता है भाई मेरे, ये पूरी कहानी आपने देखा एकदम इजी वे में, तो आपका पहला ही पेयर करेक्ट हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए सीधे सीधे सही है। आगे की कहानी बढ़ना ही नहीं, आगे बढ़ेंगे तो आपके देखें सब्सिडी सेल भी गलत दे रखे, कंजक्टिव टिश्यू भी गड़बड़ है, ये आपकी कहानी है। चलें 146 के बाद 147 पे आते हैं हम लोग फटाफट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा है बेटा। ग्रेनर लैमली हैव द बोथ पीएस पर सेकंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है पहला वाला तो सही था। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स बोथ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड, ये गलत है। साइक्लिक में केवल क्या होता है आपको देखना है बेटा, जस्ट पीएस फर्स्ट केवल होगा, इसलिए ये आंसर हो गया है आपका यहाँ पे इनकरेक्ट, ध्यान इनकरेक्ट छाटना मिल गया। बाकी यहाँ पे बोथ हेडपिनेंट पे ये सब के सब नॉन साइक्लिंग बने थे, हमने बोला था नॉन साइक्लिंग सब कुछ होता है, ध्यान दो। ये पूरी कनिस्टोमल एमली है पीएस फर्स्ट ओनली लगती, ये भी सही है ध्यान देंगे। तो साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है इन्वॉल्व बोथ पीएस फर्स्ट, ये गलत दे रखा है, चूंकि साइक्लिक में होना चाहिए ओनली क्या होता है बेटा जानते हैं रीजन, साइक्लिक प्रोसेस में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ओनली जानते रहेंगे पीएस फर्स्ट वर्क होता है, ओनली पी एस फर्स्ट वर्क करेगा यहाँ पे, इस वजह से आंसर हुआ है गलत। 147 बाद 148 पाते हैं, नाउ डेज इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन काजिंग कैंसर बाय द लाइविंग रेडियो एक्टिव प्रोब, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, टफ मानेंगे हम, दो चार ही टफ है देखेंगे बड़ा नावड़ी। अगर डीएनए जो होता है बेटा, अगर याद करो बेटा बताया गया था जो प्रोब होता है रेडियो एक्टिव, इसको पहचानने के लिए हम लोग करते थे, यूज करते थे, डीएनए को पहचानते थे। अब ये बोल रहा है उस डीएनए में कुछ ऐसी कहानी हो, देखो ये क्वेश्चन टफ क्यों हो रहा है आपको अगर बताऊँ बेटा, इसलिए टफ हो रहा है, जरा देखें जीन काजिंग कैंसर, आगे देखें इसमें म्यूटेशन हो गया, जो नॉर्मल जीन था डीएनए उसमें म्यूटेशन हो गया है। अब रेड टू हाइब्रिडाइज इट्स कम्प्लीमेंट्री डीएनए इन ए क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाई इट्स डिटेक्शन यूजिंग द रेडियो ये ऑटो रेडियोग्राफी। अब क्या होना है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था भैया ये चीज़ जो प्रोब होता है वहाँ लागू नहीं हो पाएगा, आगे कहानी देखें म्यूटेटेड जीन जिसमें म्यूटेशन हुआ डज नॉट अपियर ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कम्प्लीमेंट्री, ठीक है बिल्कुल सही है। अब म्यूटेशन होने के बाद ये अपियर नहीं होता है, ध्यान देंगे फिल्म पे नहीं आएगा, एज प्रूफ हैज नो कम्प्लीमेंट्री विद, एकदम सही एग्जैक्ट लाइन है आपकी एनसीईआरटी, ध्यान देंगे। म्यूटेटेड डज नॉट अपियर ऑन दी फोटो, सीधे गड़बड़, आगे देखेंगे तो मिलेगा क्या हैज कम्प्लीमेंट्री, गलत है कम्प्लीमेंट्री नहीं, नो वाला ही अक्सर मिल चुका है, आगे फिर पार्सली एकदम गलत है बेटा, फर्स्ट चॉइस इज द बेस्ट चॉइस, ध्यान देंगे। एक अच्छा है बेहतरीन टफ क्वेश्चन में इसकी गिनती हम कर सकते हैं, जिसको ख्याल नहीं आया होगा तो ध्यान देंगे, चूंकि नॉर्मल चीज़ें जो होती थी
डीएनए प्रोब से कर लेते थे, लेकिन एबनॉर्मल म्यूटेशन वाले में ये गड़बड़ा जाता है बेटा, ध्यान देंगे। नीचे आएंगे 149 पे, 149 पे फिर से आए हम लोग। यहाँ पे देखें थोड़ा सा पेपर स्कैनिंग में दिक्कत है, तिरछा आ रहा है, ध्यान देंगे जो भी लिया है फोटो इन। चूँकि मेरे पास सिस्टम टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है, 100 एकदम एग्जैक्ट, इसलिए ऐसा मजबूरी में करना पड़ा लास्ट में। आगे इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन इतना इतना, ये एकदम ई पूछा है बेटा, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, पहला ही आंसर धड़ाम से मारो खत्म। अब जिसने था इसको पता नहीं क्यों अटेम्प्ट नहीं किया, इजी क्वेश्चन था बेटा ये बहुत ज़्यादा। इन आगे देखिए, इन सम मेंबर्स ऑफ विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पॉलन ग्रेन्स रिटेन, फिर से देखिए बिना पॉलन ग्रेन के पेपर नहीं बनने वाले। देखिए पॉलिनेशन से मिलता जुलता कई क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान देंगे। हमने अगर किसी को याद बच्चे को आंद्रे रसल टेक्निक बनाया था बेटा, यहाँ पे देखेंगे कई मंथ तक रिलीज होने के बाद लिविंग रहता है रसल, ने बोला था रोजेसी आई गया बेटा, देखेंगे लेगुमिनेसी आ गया रसल, ठीक है एक नहीं दिया है वो चीज़ आप जानते हैं सोलनेसी, लेकिन ये रसल पूरा फिट बैठ गया है। आपका आंसर जो था ये हो गया सेकंड। आगे बढ़ते भाई मेरे, अगला है फिर से मैचिंग का क्वेश्चन कराना है बेटा, दोनों में मैच करते हैं हम लोग। एस्परजिलस नाइगर सीधे एसी करके सटा दिया हमने, एक ही आंसर है, इसके बाद कुछ मैच ही नहीं करना था। ये हो गया है थर्ड, थर्ड में हो गया पूरी कहानी खत्म। ये पेज ऐसा था हमने बोला था इसके बिना पेपर 183 शायद पेज होगा, वहाँ से भी कर सकते थे हम, नहीं बनता इसके बिना, जाके देखना आप ह्यूमन वेलफेयर माइक्रोस वाला, सीधे सीधे बोला था आना ही है श्योर शॉट लिख के कर लो। आगे आएंगे बेटा यहाँ से फिर एक न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन बना, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके प्रीवियस टेस्ट पेपर क्लास से जो दिया जाता है वहीं से बेटा ध्यान दीजिए। अगर कहें इफ एडनिन मेक्स 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन, क्योंकि आप जानते हैं चार का रूल बेटा, अगर एडनिन जो है 30% है, ए 30% ए टी से जुड़ता है, आप जानते हैं ए किससे जुड़ता है टी से, देन टी इज इक्वल टू आल्सो 30%, और आप जानते रहेंगे 30 और 30 60 हो गया, और टोटल होना चाहिए 100%, चूँकि आप जानते रहेंगे किसी भी यहाँ पे बेटा अरिजन में जानते रहेंगे जो चारगाफ रूल ये कहता है ए जितना होगा उतना टी से जुड़ता है और जी किससे सी से, और टोटल 100 हो रहा है, तो 30 और 30 ये 60 हुआ, बका बचा हुआ जो 40 उसमें 20 कर दो, पहला ही आंसर हो गया ग्वालिन साइटो से, ये कुछ करना ही नहीं होता, सीधे आंसर आपका आ चुका है। जाके आप देखेंगे जहाँ चारगाफ रूल है यूट्यूब पे पड़ा हुआ मिल जाएगा पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली पार्ट जो है जेनेटिक्स से, ध्यान देंगे कैसे क्वेश्चन आते। आगे आते 153 पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 153, आयोडीन कौन सी एग्जांपल भैया, इस पर बहुत काम दिया, बिना आयोडीन पेपर नहीं बना है, हार्मोन रिलीजिंग पूछ दिया आयोडीन, तो आपको एलएनजी 20 नाम है, अगर प्रोजेस्टेरोन अगर याद हो तो ये भी बताया था हमने दोनों के दोनों एग्जाम्पल। आगे चलते बेटा फिर से इनकरेक्ट पूछा है काकरोच के अंदर, क्या बात है कि जो इनकरेक्ट है, पहला है फीमेल के अंदर 7th-9th स्टर्ना टुगेदर फॉर्म जेनिटल पाउच, ठीक है ये सही जा रही है, थोड़ा सा टफ में आएगी जिनकी की तैयारी कम है, अच्छे से ध्यान देंगे। 10th में दोनों सरकाई पाए गए, हमने बोला था भैया एनएल स्टाइल पाया जाता है केवल एक में, हमने ये भी बताया था मेल में ध्यान देना स्टाइल मारा था यहाँ करके बताया था, बट सरकाई दोनों में, तो ये अभी तक सही है। इनकरेक्ट में रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सिक इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट, ये गलत है बेटा, ये चीज़ आपका है मिड गैट एंड हाइंड गैट में जो होता है गैस्ट्रिक सिकी नहीं होता है, वो जानते रहेंगे आपका मेलपिजियन ट्यूबुल जाएगा ध्यान देंगे, इसलिए ये है गलत, ये चूंकि इसकी जगह होना चाहिए मिड और हाइंड गैट का जो बीच मिड एंड हाइंड गैट में होता है जो बेटा, यहाँ पे ढेर सारा निकल के आता है वो मेलपिजियन ट्यूबुल होता है बेटा, ये दोनों के मेलपिजियन ट्यूबुल। बाकी ये चीज़ पूछा जाए तो आपको ये सही है कि गैस्ट्रिक सिकी या हिपेटिक सिकी वो जाता है आपका बेटा मिड गट में पड़, लेकिन जंक्शन पे नहीं मारेंगे, तो जंक्शन पे ये होता तो वो सही होता, इसलिए गलत आंसर है आपका, ध्यान देंगे जाके। 154 पे आएंगे सही से आपको एनसीईआरटी में नहीं हो पाता, इसलिए हम उसको टफ में रख सकते ध्यान देंगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर को आते हैं सीधे सीधे, देखो फिर से आया बायो मॉलिक्यूल की दुनिया, हमने इसीलिए बोला था आपको ये कहानी जो जो टॉपिक आपके ज़्यादा आने वाले थे उसी को मैंने फोकस करवाया था बच्चों, दो दो बार रिवीजन कराया। अब एक चार्ट फिर से आया जहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वहीं बताया था भैया लस एलसी ट्रेन ये सीधे सीधे मैच कर रहा है, ठीक है ड्रग्स में बताया था भैया रिसिन एंड एब्रिन टार करके याद करो, ये टार हो गया आ गया, देखो ये हो गया इनकरेक्ट आंसर, दो हो गया सेकंड है इनकरेक्ट, बाकी अल्कोलाइड कोडीन है टॉक्सिन एब्रिन रिसिन होता ध्यान देंगे, लेकिन ड्रग्स में था दूसरी दवा है ध्यान देंगे, गड़बड़ है यहाँ पे ध्यान देंगे। आगे आते हैं बेटा 155 156 में आते हैं हम लोग, वायरल वल्नरेबल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, बस सोचना था आपको कैसे ये स्प्रेड होता है वल्नरेबल डिजीज, वल्नरेबल का मतलब हमको पढ़ना था एसटीआई, ये एसटीआई वाला जो डिजीज था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ध्यान देंगे। यूजिंग स्ट्रैंग कैसे, आगे देखें करेक्ट पूछ रहा है करेक्ट फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है तो बी एंड सी पहला देखें, यूजिंग स्ट्राइल नीडल वल्नरेबल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू, स्प्रेड थ्रू यूजिंग स्ट्राइल नीडल नहीं स्प्रेड होगा भैया, कैसे स्ट्राइल है ना, स्ट्राइल मतलब एकदम कंटेमिनेशन फ्री है, अच्छे से ऑटोक्लेव में डाल के उस पूरे सीरिंज को आपने एकदम कंटेमिनेशन से हटा दिया है बेटा, तो ध्यान देंगे आप
तो आगे चलेंगे, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है ये तो सही जा रहा है, इससे बेटा हो जाएगा, ठीक है इससे हो जाएगा, ऊपर वाले से नहीं होगा, ध्यान देंगे चूंकि एकदम माइक्रोब सही नहीं उसमें। आगे देखिए, मदर से भी जाएगा बच्चों में, किसिंग से बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान देंगे इससे नहीं होगा, पहले वाले से भी इसी स्टाइल, इससे भी नहीं हो रहा है, इससे हो जा रहा है, इरिटेबल नहीं होगा, ये आपका तो आंसर जो जा रहा है बी सी, और ये आपका जो भी बच्चा है सही है बी एंड सी वनली, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ईजी था, ध्यान देंगे, थोड़ा सा अच्छा सा दिमाग लगाना था, आधे लोग स्टाइल वाले में कन्फ्यूजन, तो भैया स्टाइल का मतलब ये कुछ भी गंदगी नाम की चीज़ न, कोई भी माइक्रोस्फी न हो, ध्यान दें। क्रोनिक इम्यून डिसऑर्डर आगे पूछा, न्यूरोमस्कुलर, सीधे सीधे क्वेश्चन आपका आ गया भैया, मायस्थेनिया ग्रेविस जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है बेटा जानते रहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जो जो भी जंक्शन है वहाँ पे दिक्कत आया था बेटा, मायस्थेनिया ग्रेविस है इसका, सीधे सीधे इसमें कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। 157 158 आते हैं हम लोग, विच रिगार्ड इंसुलिन, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है बेटा, करेक्ट कौन होगा, इंसुलिन दो होते थे बेटा याद करो, एक इमैच्योर वाले के नाम प्रो इंसुलिन था, बाद में मैच्योर हुआ तो उसका नाम इंसुलिन था, प्रो इंसुलिन में तीनों चीज़ थी, ए बी था, बी और सी पेप्टाइड, आगे देखते क्या है, सी पेप्टाइड नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, चलो सही जा रहा है, पूछा क्या हमसे, आपसे पूछा क्या है, करेक्ट ही पूछना है, द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय द रिकॉम्बिनेंट न्यूक्लियोलॉजी हैज द सी पेप्टाइड, ये चीज़ आपके लिए घातक हो रही है बेटा, जो था उसमें सी पेप्टाइड हट जाता है मैच्योर इंसुलिन में, जानते रहेंगे ए और बी दोनों होते, ध्यान देंगे। तो आपका अगला आया था प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, ये है सही बात आपका, ये भी सही बात है, ऊपर की सही बात है, तो अभी तक मिल गया है बी गलत, ए सी डी जा रहा है और कोई दिख ही नहीं रहा ऊपर, तो चलो यहाँ तक आगे डी भी चेक कर ही लेते हैं, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड, ठीक है दोनों के बीच डाइसल्फाइड बांड होता है, जैसा कि हमने बताया था डाइसल्फाइड दो ही जगह है, इम्यूनोग्लोबिन में आयन यहाँ पे है, बायो में अगर देखा जाए इंसुलिन के अंदर बेटा जो मैच्योर है, ध्यान देंगे। आगे तो ये फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट नेचर ऑफ स्मूथ मसल के बारे में पूछ रहा है, क्या कि रॉन्ग है स्मूथ मसल के बारे में बेटा पूछ रहा है, हाँ कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स परफॉर्म बाय द इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है ये बेटा जानते रहो, इंटरकैलेटेड डिस्क के जो होता है ये फीचर होता है हार्ट की, कार्डियक मसल की, कौन सी, तो हार्ट मसल की बच्चों ये फीचर होगा जिसे हम लोग कार्डियक मसल बोलते हैं, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये इंटरकैलेटेड डिस्क तो यहाँ होगा ही नहीं, पहली बात तो स्मूथ मसल के बारे में पूछा है बेटा, स्मूथ मसल के बाद याद करें इसी के नाम है विसरल मसल, दिस इज आल्सो नोन एज विसरल मसल, और ये होती है इनवॉलंटरी, तो रांगली पूछा तो पहला ही रांग मिल गया है, आगे स्मूथ मसल प्रेजेंट इन वाला ब्लड सही है, दीज मसल हैव नो स्टेशन ये भी सही है, इनवॉलंटरी होता है ये भी सही है, ये भी ये सही था ये गलत था, आपका पहला ही आंसर मिल चुका है, ध्यान देंगे। 159 आपको रीजन बता दिया, क्योंकि कहाँ पाई जाती है, हार्ट में होती है भैया, इंटरकैलेटेड डिस्क आपको याद रखना है, द सेंट्रियोल सीधे सीधे फिर से आपको कई बार के टेस्ट पेपर से क्वेश्चन है बेटा आपका, ये है सेंट्रियोल हो चाहे डीएनए हो, तो डीएनए एंड सेंट्रियोल यहीं से डुप्लीकेट करता है, डुप्लीकेशन यहीं मारते हैं, केवल एक ही न जानना, कई बार कि ये आपके पेपर में हमने दे रखा है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे, बुक से ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। ओजोन को बेटा जो नापते हैं थिकनेस जानते रहेंगे, दैट इज द डॉप्सन यूनिट डीयू करके बताया गया, सीधे सीधे अंतिम डिवीजन हो चाहे जो हो हमेशा आपको बताया गया डॉप्सन वाली पूरी कहानी। आगे चलिए 162 पे चलते हैं बेटा फटाफट हम लोग, द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन या नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बता दो, सीपीएमडी ट्रिक तो उसको छोड़ दो, देख लो फटाफट, गालजी का माइटोकॉन्ड्रिया गलत हो गया, ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया गया, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम ये जाएंगे आपका फोर्थ आंसर यही है, इसमें आपको पूरा का पूरा पूरी कहानी अगर ट्रिक हो तो हमने बताया था पूरा, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम टूटता है तो बनाता है बेटा गालजी, और गालजी टूटा लाइसोसोम, बाकी एक अलग सब कुल रटना था, ये आंसर हो गया इजी, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी बताया पढ़ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो सेल बायोलॉजी काफी क्वेश्चन आए हैं, जितना गेस करके बताया लगभग आप अगर जो लोग किए होंगे 100% तो नहीं बेटा 99.9 बोल सकते हैं हम लोग। आगे आएंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ए प्रोटीन, अब ये तो एकदम से बगुआ वाला क्वेश्चन है भैया, आरआरएनए है ये है, क्योंकि कैटालिटिक रोल है, मैसेंजर पहुंचाएगा और कोडिंग को ये रीड करता, ध्यान देंगे इसका कहीं नाम और निशान एसआई लिख दिया, ससुरा गड़बड़ हो गया, ये एसआई नहीं होता कोई भी, केवल यस लिखता है तब भी साल्बल आरएनए होता, आई मतलब यहां कोई सब इंस्पेक्टर वाला काम नहीं हो रहा है, गलत हो गया सीधे सीधे। 164 पे आएंगे भैया, फिर से फाइलम की पूरी कहानी हिस्ट्री दे रखा है, कुछ फाइलम के फीचर सीधे बोला था, फाइलम मोटा मोटा चीज़ें रटे रहो, कैनाल सिस्टम से मेटाबॉलिज्म कहाँ का दिया, देखिए मेटाबॉलिज्म ए का बेटा थर्ड, मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब बेटा जानते रहेंगे दो टाइप होता है, बाहर से भी डिवीजन हो बॉडी कई सेगमेंट हो अंदर होती, इसे ट्रू बोला गया था, ध्यान देंगे ट्रू मेटाबॉलिज्म, ए का थर्ड मैच कर रहा है सही है, बी का फोर्थ आते हैं तो ए थर्ड फोर्थ, चलो एक और जाते हैं सी का कॉम्प्लीट है बेटा, सी का कॉम्प्लीट सेकंड, बस खत्म हो गया यहीं से पूरी कहानी, मेटाबॉलिज्म हो गया है, एक का थर्ड कैनाल सिस्टम है तो ये हो गया है ये, और बाकी है सी का यही मैच कर गया, बाकी डी तो अपने आप मैच कर गया, डी का थर्ड नीडोब्लास्ट सेल फर्स्ट, हाँ ये हो गया सही जा रहा थी, तो आपका आंसर जो है पहला ही मैच कर गया बच्चों, ध्यान देंगे।
इस तरह से पूरा का पूरा सिंपल से ही कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन ने बोला था नहीं आएगा एनिमल किंगडम, केवल एक एक कैनाल फीचर नीरोब्लास्ट सेल यही सब बताया गया था आपको कहाँ होगा, ये पूरी कहानी वही लगभग छप के आई बेटा। विच स्टेज ऑफ मियाटिक प्रोफेसोज टर्मिनाइजेशन ऑफ चैजमेटा एज इट्स डिस्ट्रिक्ट टू, भैया दाँत चियार दिया, बोला था हमने चैजमेटा बना है लेकिन आगे की बात है बेटा, टर्मिनाइजेशन आ गया, टर्मिनाइजेशन मतलब ये एंड की तरफ जा रहा है, तो डायकालिसिस, ये हो गया पूरी कहानी। आगे चलते हैं बेटा पूरी कहानी, 166 पे आते हैं हम लोग। विच पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप कॉल्ड, ये फिर से बोला था आपका बुक में एक चार्ट जहाँ बना है भैया, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग का जहाँ बना हुआ है खासकर ह्यूमन सर्वर्सल वाले में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के पहले, वही चार्ट हमने बोला था, आता क्वेश्चन यहाँ से। और ट्रिक ये था जैसा ब्लड ग्रुप वैसे ही एंटीजन लगभग मैच करता हुआ था, लेकिन वहाँ पे देखेंगे एंटीबॉडी उसका उल्टा बनता है। वहाँ पे ए बी पूछा ब्लड ग्रुप कॉल्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस थी देयर इज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है ए बी है तो सेम बोला इसी तरह से मैच करता हुआ बेटा, अगर देखो ए और बी दोनों यहाँ पे पाए गए हैं एंटीजन बट एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, तो सीधे सीधे आंसर आएंगे सही हमारा जिसने भी हमारा ध्यान दिया। आएंगे इसके बाद 66 के बाद आते हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन पे, एक अच्छा क्वेश्चन फिर से आपकी एनसीईआरटी लाइन छप के आई। अगर देखें पार्शियल प्रेशर पूछ दिया भैया अल्वियोलाई के अंदर कितना होगा और साइट आप देखें अल्वियोलाई जो होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन के अलावा CO2 कितना होता है, भैया अल्वियोलाई ये तो ज़्यादा ही हो गया बेटा, तो 104 सीधे सीधे ये रटने वाला क्वेश्चन है, CO2 की वैल्यू कम है 40 ध्यान देंगे सीधे, ऑप्शन नंबर थर्ड है ये ध्यान देना, ऊपर नीचे थोड़ा दिख रहा होगा चूंकि ये बेटा पिक सही से ली नहीं गई है। सक्कर सिंड्रिकल रिफर करता है इंटेस्टाइनल जूस का ही दूसरा नाम है, ये ध्यान देंगे। अभी 169 पद रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग मेमोलियन, ये थोड़ा सा आपको अच्छा था लेकिन आपको जानते रहना है जोना प्लेसिडा ये होता है बेटा, इसी पे रिसेप्टर बाइंड करते हैं रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग मेमल्स ऑफ प्रेजेंट जोना, चूंकि यहीं से जानते रहेंगे बेटा, किसी को याद हो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनता है, अगर याद हो जोना प्लेसिडा यही बनाता था फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, तो ये अगर याद हो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन वाली बात, ये पूरी कहानी अगर हो तो बेटा यहीं से पूरी कहानी हो जाती थी, इसलिए आपका बेस्ट आंसर जो आया जोना प्लेसिडा 169 हो गया। 170 पाते हम लोग, मैच फिर करना आपका बहुत इजी क्वेश्चन जाएगा लेकिन आपको ध्यान देना है बेटा यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग। ए पे आते हैं फाइसिलिया का नाम होता है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, एकदम इजी है ये हो गया पुर्तगीज, ए का हो गया सेकंड, चलो ए का सेकंड मिल चुका है, बी पहला ही ऑप्शन में एक मैच कर गया, मान लो बी का आगे चलते हैं, बी है ल्यूमलेस, बी का थर्ड है ल्यूमलेस है लिविंग फासिल लास्ट लिविंग हमने ये भी बताया था बेटा, ये भी हो गया सी का, फिर आते हैं हम लोग सॉरी सी में, हाँ सी एन साइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल दैट इज कॉल्ड एज हुक वर्म एंड डी का फर्स्ट है पर्लुस्टर पिंटेडा वल्गेरिस पूरा नाम है, दिस इज पर्लुस्टर, तो आंसर जिसका भी है ए है, बहुत ही इजी था, केवल केवल आपको मैचिंग कराना था निकनेम से। आगे चलते बेटा एक सिकल सेल एनीमिया का क्वेश्चन दे रखा और ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ध्यान देंगे, यहाँ पे इन्हें क्रॉस बिटवीन कराया गया है मेल फीमेल के बीच, बोथ आर हेट्रोजाइगस, पहले तीन बोथ है मेल फीमेल हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, और आपको ये पता है बेटा सिकल सेल एनीमिया जो होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ये है ऑटोसोमल रिसेसिव बेटा डिजीज है, पहले तो ये आपको ध्यान देना है, दोनों अगर रेसिव होंगे तभी ये डिजीज बच्चों में आएगा बेटा, इस पर अच्छे से देख लेंगे, तो पूछे बच्चे में कितनी प्रोजनी डिजीज होगी अफेक्टेड होगी, इसका सोल्यूशन मैं इधर बता दे रहा हूँ बेटा, एक क्रॉस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, देखिए बेटा अगर मान लो मैं ये मेल ले लूँ, ये जस्ट आपको बताओ इधर एक साइड मेल एच बी, एक को मैं डोमिनेंट लिख रहा हूँ एक छोटा लिख रहा हूँ एच बी, एच बी दो हीमोग्लोबिन लिया और एक पे हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा सिकल सेल एनीमिया जो है, अगर ये पूछा गया हेट्रोजाइगस एक कैपिटल लिया दूसरा ये लिया, सपोज दैट दिस वन इज द मेल था ये मेल कपल और ये है फीमेल, जो है फीमेल का हम लिख लेते हैं फिर से वही एक का दोनों का वही एक बड़ा लिया हमने दूसरा छोटा ले रहे हैं, ऐसे ही मान लो कैसे भी आप करेंगे वही आएगा, अब दोनों को सीधे सीधे हम क्रॉस कराएंगे तो ये बना है एच बी एच बी एच बी बना है बेटा, मान लो अगर चाहे एक्स जो भी कर सकते हो एक्स वाई कर सकते हो उससे भी कर सकते हो लेके चाहे जैसे करो, तो यहाँ सॉरी फिर इससे देखें वही एक्स निकल गया था एच बी कैपिटल कैपिटल दोनों आए बेटा दो बार एच बी लिखा और दोनों कैपिटल कैपिटल है बच्चा है नॉर्मल, आप फिर देखो इसको फिर क्रॉस कराया हमने यहाँ से एच बी यस है और यहाँ पे है बेटा ये एच बी यस लिया है, तो यहाँ पे इस बार ट्रेट आया सिकल सेल ट्रेट आया है, इधर आएंगे फिर से यहाँ पे फिर से आया एच बी कैपिटल है यहाँ पे एच बी है एक स्मॉल, दोनों स्मॉल आने चाहिए डिजीज के लिए, एक ही देखे चार बच्चे में बेटा एक ही कम्बिनेशन बना है जिसमें दोनों में आया है, चूंकि रेसिसिव छाटना था ऑटोसोमल क्या है रेसिसिव होना चाहिए, चार को 100 लेंगे तो 100 में से ओनली आपको याद करो बेटा ओनली एक बच्चा जो है चार को 100% ओनली वन चाइल्ड 25% चार में से ये बीमारी आई है अफेक्टेड है, आंसर हो गया आपका 25% पहला ही च्वाइस ध्यान देंगे, इस तरह से जिनको करना होगा कर लेंगे, इस तरह से हमने आपको क्लास में भी करवाए हैं क्वेश्चन ध्यान देंगे, कई बार
इसको एच बी ए एच बी यू वाला करके ट्रिक बताते हैं, नहीं तो ऐसे कर लें, आपके क्वेश्चन जैसे भी करेंगे फंडा क्लियर होगा, आ जाएगा तुरंत के तुरंत। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, पढ़ना है बेटा फिर से यहाँ पे मेटाजेंसिस इन द हेलमेंथिस पूछा क्या, रीड द फॉलोइंग, ठीक है करें, और नीचे पूछा करेक्ट कितने होंगे, तो आपको देखना है चूज दी करेक्ट। आपको सीधे सीधे पहला ही गलत हो गया है, चूंकि मेटाजेंसिस यहाँ पे नहीं होता, हेलमेंथिस ओबेलिया वगैरह में बेटा पाया जाता है, ध्यान देंगे। तो पहला गलत हो गया, कैनोडर में टिप्लोब्लास्टिस, ये सही है आपका आंसर। राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम, ये भी जा रहा है। काम प्लेट प्रेजेंट इंटीनोफोर्स हेल्प इन, ये गलत है, डाइजेशन वाली बात, और वाटर वेस्टो सिस्टम ये कैनाल। तो आपका आंसर जो है आप देख सकते हैं बी सही हुआ है, बी सी ये गलत था, तो यही आंसर हो चुका है, सेकंड वाला ही ध्यान देंगे। आगे चलते हैं 172 के बाद 173 पे आ चुके हैं, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई। तो ये तो नए बच्चे जो उनका भी हो चुका है, सीधे सीधे कई क्वेश्चन वो भी कर सकते हैं। जंक्शन हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट है, ड्यूडेनम में खुलती है, अगर याद करो पूरी कहानी आपको दिखाया गया था, पूरा टाइम नहीं कि आपको दिखाएं, अगर ऐसे ऐसे देखो भैया ये पैंक्रियाज वाली पूरी कहानी थी, ये पैंक्रियाज था ऊपर से बेटा, अगर ये याद करो गॉल ब्लैडर निकल के आया था, ये दोनों की डक्ट यहाँ मिली थी, और ये सी शेप का जा रहा था हमारे पास, ये ड्यूडेनम, ये नली आई एक रास्ता, ये ऊपर सा रास्ता ये मिला तो यहीं खुल गया था बेटा। दिस इज ये, मान लो ये आपकी पूरी कहानी है, ये गॉल ब्लैडर, ये लीवर के अंदर है, ये पूरी कहानी दिखाया गया, दिस इज कॉल्ड हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, यही था बेटा हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो कि खुलती है यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज जानते स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, यही है छल्ले का नाम। तो ये हो गया पूरी कहानी खत्म, आपको हमने ये भी दिखा दिया है, तो आंसर आपका जो भी था सीधे देख लिया आपने ये था। विच आर एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिन टू फाइब्रिन, ये पूरा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो 13 होते हैं बेटा, उसी का एक स्टेप, मतलब चार स्टेप में पूरा पढ़ते हैं, मैकेनिज्म जो कि कैस्केडिव प्रोसेस होता है, तो थ्रम्बिन जो होता है बेटा ये कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं 174 के बाद 175 पे आ चुके हैं, हाउस फ्लाई। देखिए जो लोग क्वेश्चन किए होंगे अगर उस दिन क्लास, सीधे ये टफ पार्ट है जहाँ आर एस जुटेकर का फाइव किंगडम सिस्टम भैया दे रखा है, जहाँ पे पूरा का पूरा आप देखते हैं पाँचों जो चीज़ें दे रखी है आर एस भिटिकर साहब ने, उसके बारे में पूरा पूरा दिया था, सबके क्लास क्या, जीनस क्या, स्पेसिफिक नाम वहीं से, और ट्रिक बताया था हाउस फ्लाई ने म्यूजिक दिया, तो मसाइडी जो है हाउस फ्लाई का है, ध्यान देंगे। और किसी भी जानते रहे अक्सर, किसी भी नहीं अक्सर एनिमल में पीछे डी ए सफिक्स लग जाए, दिस इज सजेस्ट करता क्या, इट सजेस्ट करता है बेटा, दिस सजेस्ट, ये जो सजेस्ट कर रहा है, दिस सजेस्ट नेम ऑफ फैमिली, तो नेम ऑफ फैमिली अगर एनिमल की बात करें तो डी ए ई लगा होता है, अगर ये प्लांट होता है तो बेटा तो प्लांट में प्लांट फैमिली को सजेस्ट करता है, ये सफिक्स प्लांट फैमिली को ये सजेस्ट करता है दोस्तों, ये ध्यान देंगे। आपको मैं डिक्टो पूरा का पूरा बता ही दे रहा हूँ, थ्योरी भी ध्यान देंगे। अगला फिर से क्वेश्चन दे रखा है बेटा, एक फ्रूट फ्लाई है, इसमें क्रोमोसोम नंबर दे रखा है 8, जो कि डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये जीवन पे 8 दिया है, देन व्हाट विल द क्रोमोसोम, आप बेटा ध्यान दो भैया क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, डीएनए डबल होता है, क्रोमोसोम है तो सेम रह जाएगा, 8 दिया तो ठोक दो, 8 सही आंसर है, ये ध्यान देंगे। तो मीजी बहु वाला क्वेश्चन 76 पे आएंगे, नॉट ऑब्जेक्टिव, आप देखो क्वेश्चन आ ही गया, बोला था यही देख के जाना इस चैप्टर एनिमल हस्बेंड्री वाला जो है भैया, वहाँ पे जो भी प्लांट ब्रीडिंग लास्ट के दो पेज बोला था वहीं से बन के आया, चाहे टिश्यू कल्चर, चाहे सोमाक्लोन हो, चाहे वहीं सब छप के आए हैं। बायोफोर्टिफिकेशन जो क्लास अगर मिस किया होगा तो ध्यान बड़ा पछता रहा होगा, लेकिन जो लोग रहे होंगे तो भैया प्रूफ बन सकते हैं, पूरी कहानी छप के आई देखेंगे अगर। तो बायोफोर्टिफिकेशन के मकसद क्या भैया, ऐसा फूड बनाओ जिसमें विटामिन की मात्रा चौकस हो, अच्छा खासा अच्छी क्वालिटी में इम्प्रूव हो, इम्प्रूव मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी इम्प्रूव, प्रोटीन भी अच्छी होना चाहिए, यहाँ पे है इम्प्रूव रेजिस्टेंट टू डिजीज, ये कोई मतलब का नहीं था, ये आपका आंसर हो गया है यहाँ पे गलत। तो इस तरह से ऊपर के तीनों सही थे, ये हो गया गलत बेटा, 178 पाएंगे सीधे सीधे। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी में ही आ गया, स्पेसिफिक सिक्वेंस जो भी आप देखिए, अगर रिस्ट्रिक्शन इंडोनिकुलर एंजाइम जो कट करती है बेटा, जहाँ पे पैलिंड्रोमिक सिक्वेंस होता वहीं मारेंगे, ये भी खत्म। 178 के बाद आते 179 पे हम लोग, 79 पे आए बेटा, मैचिंग कराएं फिर से। ये देखिए ये भी चैप्टर जो था चौथा हेल्थ वाला, बोला था छोटा है लेकिन हल्के हम ना लेना, जहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरी यूनिट में चौथा वाला हेल्थ वाला है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, ध्यान देंगे। आते हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं, वाल्ट की बात करें तो वाल्ट क्या काम करता है, जेनाइटल वाल्ट जिसका नाम था, अगर इसको और छोटा करें दिक्कत हो रही है आपको तो थोड़ा सा ये फटा हुआ है, तो इस पर आते हैं हम लोग। तो वाल्ट एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विकल इज ब्लॉक्ड, ठीक है करेक्ट पूछ रहा है, एक फर्स्ट, ठीक है एक का जो गया है फर्स्ट ही मैचिंग कर रहा है, तो आपको ये है चौथे बजा रहा, आगे तो मैच ही नहीं कराना ऐसा बना ही दिया है, तो बी का थर्ड आपने एलिमिनेट कर लिया यहीं से, बी का थर्ड है ये जो होता है आईओडी बेटा, फैगोसाइटोसिस बोला था कराता है आईओडी, देखे बिना आईओडी पेपर नहीं, मतलब दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं आईओडी के। सी का सेकंड बन चुका है, सी का सेकंड रिमूवल ऑफ वॉच, ठीक है पूरा वॉच डिफरेंस तो नहीं हटाते, कट करके थोड़ा सा पार्ट हटाते हैं बेटा, ध्यान देंगे।
ट्यूबेक्टोमी लग गया है, लास्ट में है ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को कट करेंगे, थोड़ा सा हटाते हैं ध्यान, इसलिए ये मैच कर गया, ये आपका एस्ट्रल हो गया है। फोर्थ आगे चलते हैं, 180 पा चुके हैं, एलाइसा टेक्निक देखेंगे, सीधे सीधे दिख गया इस पर। अगर ऐसे क्वेश्चन अभी एलाइसा वाला तो रिस्क ना सोचा करो, अक्सर वही रहता है। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो करते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और ये बोले कौन सा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं, एलाइसा टेस्ट है, जानते रहेंगे, जो कि वायरल वाली डिजीज में हम लोग अक्सर करते हैं, ध्यान देंगे। आगे आते हैं 181 पे बेटा, फेवरेबल कंडीशन फॉर, फिर से बोल रहा हूँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व बोला था इतना ईजी, उस दिन भी जब रिजन करा पूरा पढ़ाई दिया था हमने, पूरा एक ही ट्रिक बताया था, उससे सभी क्वेश्चन धड़ल्ले से हो गए थे बेटा। देखिए ये पूरी कहानी दे रखा है, फेवरेबल कंडीशन बोले रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सी हीमोग्लोबिन एल्युलाई में, एल्युलाई में चूंकि आपने भैया O2 लिया ज़्यादा होगा अचक के, तो सिंपल सी बात है, अगर कुछ सोचना था तो हाई O2 पे जाना था आपको, जहाँ हाई O2 होता वहाँ लो होता है, पहला भी गलत हो जाता है, यही से अगर बुद्धि लगाते तो लो PO2 होगा नहीं, हाई अगर जाते एक जनरल जिसको नहीं आता वो भी कर लेता, हाई PO2 होगा चूंकि एल्युलाई में ऑक्सीजन खींचा आपने यार ज़्यादा होगा, पी लो इसका उल्टा ये हुआ, लेस एस प्लस ये हुआ। अगर जिसको याद हो ये पूरा ट्रिक बताया था हमने, ध्यान दें, ये बीचों बीच का सिग्मॉइड कर्व होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर हो रहा है बेटा, तो नॉर्मल टेम्परेचर से लेके नॉर्मल PCO2 नॉर्मल एच प्लस पे ये रहता है, सब कुछ अगर बढ़ेगा तो कर्व किधर जाएगा, इधर जाएगा, बढ़ेगा तो राइट साइड जाएगा और इधर होगा, घटेगा तो ये लेफ्ट साइड जाएगा बेटा, ध्यान देंगे। इस तरह से ये जो कर्व था बाटे यहाँ पे जो है बढ़ने वाला था, ये जो हमने लिखा है इधर वाला जो कर्व आया बेटा, टेम्परेचर घटेगा तो ये इधर जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे घटे, इसका मतलब यहाँ पे जानते हैं PCO2 ये वाला था, जानते रहेंगे, अगर राइट गया तो यहाँ पे है PCO2 कम होगा, इसका मतलब PO2 यहाँ पे होगा ज़्यादा, एच प्लस यहाँ ज़्यादा तो इधर होगा, एच प्लस की लेवल कम, एच प्लस लेवल कम होगा यहाँ पे डिक्रीज होगा, एंड यहाँ पे लोअर टेम्परेचर हमने घटा ही दिया है, ध्यान देंगे PO2 ज़्यादा है मतलब PCO2 यहाँ पे कम होगा। और ये जो इधर लेफ्ट साइड वाला है ये एल्युलाई साइड का ग्राफ है, और यही चीज़ ज़्यादा हो जाए तो राइट साइड जाएगा, ये हो जाएगा टिश्यू लेवल सीधे, यही तो आपका आंसर जो है थर्ड हो गया है। इतना नहीं आता तब भी आप केवल एल्युलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा इससे कर सकते थे इस ऑप्शन को। 182 में जानते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन बेटा, जानते रहेंगे PCR इज वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ PCR विल बी अपडेट फर्स्ट, ये बोल रहे हैं। हाँ अगर बोल रहे हैं बेटा अगर एम्प्लीफिकेशन में हम PCR में हाई टेम्परेचर नॉट मेंटेन करें तो सिंपल सी बात है यहाँ पर डीनेचुरेशन, चूंकि बेटा यहीं टेम्परेचर से जुड़ा हुआ डाई जो था डीनेचुरेशन एलिगेशन यही था ही तो यही प्रभावित होगा, ध्यान देंगे। 182 भी फर्स्ट हो चुका है, धीरे धीरे एंड पे आ रहे हम लोग। 183 पाते हैं बेटा, DNA के बारे में फिर से दे रखा, मान लो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दे रखा, DNA से RNA जब बनता है, विच ऑफ द ओनली एंजाइम दैट इज कैपेबिलिटी ऑफ कैटालाइज इनिशिएशन इलॉन्गेशन ट्रांसमिशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पूछा है बच्चों, तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है भैया, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है DNA से जो बनता है RNA या फिर mRNA बनता है बेटा, ये ध्यान देंगे। तो इसको जो है RNA पॉलीमरेज, लेकिन DNA से बन रहा है, दैट्स व्हाई DNA डिपेंडेंट मारेंगे, ध्यान देंगे DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, यहाँ एंजाइम जो हुआ है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है बच्चों, ये ध्यान देंगे। पूरी कहानी हो गया खत्म, और इस प्रोसेस का नाम था DNA से ट्रांसक्रिप्शन जो बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। इस तरह से हमने पूरा बता दिया है आपको, कैसे नाम है पूरा कहानी इजी है, जिसने किया सही किया। 184 पे आते हैं न्यू, ये देखिए भैया बहुत इजी है क्वेश्चन दिया था हमने, बहुत हचक के, चाहे होम्योथर्मिक करके पूछा था, चाहे हमने न्यूमेटिक बोन, हालो बोन जो होता है बेटा फीचर, न्यूमेटिक मतलब होता है हालो, न्यूमो मतलब होता है जहाँ पे एयर आ जाए, हालो बोल सकते हैं, हालो बोन जो होता है वहाँ पे जिससे मदद मिलता है बेटा उड़ने में, ये फीचर होता है बर्ड्स वगैरह का, तो यहाँ पे न्यूफ्रॉन एक बर्ड्स है, तो ये बर्ड्स है जिसे हम लोग हिंदी में गिद्ध बोलते हैं, कई बार मैं बोल चुका हूँ इसका हिंदी नाम गिद्ध, और सीधे देखे यही आ ही गया गिद्ध, अगर बर्ड्स जानते तो आप बर्ड्स का ही फीचर है न्यूमेटिक बोन, बाकी हम लोगों का फीचर तो है नहीं, इसलिए आपका क्वेश्चन हो जाता है इजी। इथ्रोप्रोटीन वाकई ऐसा हार्मोन है, आगे देखे इथ्रोप्रोटीन हार्मोन विच स्टिमुलेटेड RBC फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस बाई, तो बेटा इथ्रोप्रोटीन किडनी से निकलता है, तो आपको समझना था किडनी के बारे में एक ही चीज़ दे रखा था कहीं पर, अगर सही से देखे तो कुछ था ही नहीं, दम ही नहीं था, जस्टमुलर सेल ऑफ किडनी बस खत्म हो गया, और कुछ सोचना ही था अगर जस्टमुलर सेल भी नहीं किडनी का ऑप्शन आते हैं। अगले विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, रिलैक्सिन बोल रहा है, ये थोड़ा सा आपके बुक से हट के है, बोल सकते सीधे नोट से है बेटा, कार्पस लूटियम एक टेम्पोरी ग्लैंड होती है और ये रिलैक्सिन भी सिक्रेट करता है, कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रेट करता है, जानते रहेंगे ये प्रोजेस्टेरॉन भी करता है, ये काम थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी करता है बेटा, ये ध्यान देंगे, बट प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा करता है ध्यान देंगे, और रिलैक्सिन भी थोड़ा बहुत करता है बेटा ध्यान देंगे, दिस इज आल्सो नोन एज टेम्पोरी एंडोक्राइन की तरह काम करता है, दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ध्यान देंगे। 87 पाते हम लोग आगे देखिए, एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशिएंसी रिजल्टिंग किस में रिजल्ट होगा बेटा ध्यान देंगे, अगर इसकी कमी हो जाए एंजाइम तो आपको याद हो ADA वाली पूरी कहानी, जीन थेरेपी वाला पैराग्राफ देखिए कई जगह से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये चूंकि
फर्क डालता है इम्यून सिस्टम में बेटा, तो वही चीज़ है किस पे डाला, तो डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम हो गया है, ध्यान नहीं। पूरी कहानी बहुत आसान है, इसलिए देखते ही मैं मार दे रहा हूँ आपको, जो बच्चे ने किया काफ़ी हद तक उनका भी सही है। विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में बेबी जब प्रोड्यूस होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन या डिलीवरी। आप देखें बोल रहा है ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है भैया, ध्यान देंगे। तो आपको ये क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे पूछा है जो रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन तो होगा ही होगा भैया, सिंपल सी बात है। प्रोलैक्टिन पे रिलीज करा रहे हैं, अभी जरूरत ही नहीं, प्रोलैक्टिन नहीं होता अभी, चूंकि बेटा जानते रहिए थोड़ा सा इसका एक्शन बाद में आता है, अगर आपको थोड़ा सा ये टफ लग सकता है। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो, ये सही बिल्कुल जाए। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन तो बहुत ईजी रहेगा बेटा, ये तो रहता ही रहता है, इसलिए वहाँ स्मूथ बनाता है चीज़ें, और ये चीज़ें जिससे लुब्रिकेट करके वहाँ की जो मसल्स वगैरह थी रिलैक्सेशन कराया था, जिससे ईजिली बेबी हो जाती है। एंसर रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, यहाँ पे कोई मतलब का नहीं होगा बेटा, ध्यान देंगे। चलो इस तरह से ये पूरी कहानी हो गया है खत्म, अरे खत्म नहीं हुआ अभी, आते 188 के बाद 189 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिस्टोन्स इज रॉन्ग। हिस्टोन देखो बेहाल वाला ट्रिक काम कर जाएगा, हाल बेहाल, बेहाल मतलब जो यह खास हिस्टोन बेस बेसिक है, देखो कितना काम के पिछले साल भी आया, इस बार भी मालूम चीज मिलता जुलता थोड़ा सा बदल के आ गया। हिस्टोन आर रिच इन द अमीनो एसिड लाइसिन, ठीक है सही है, अभी आ रहा है हाल, और ये है लाइसिन आर्जिनिन रिच है सही है। हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, बोल रहा है ये बेटा डीएनए नेगेटिव दिए पॉजिटिव, ठीक है। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ एट मॉलिक्यूल, ठीक। हिस्टोन ऑक्टमर की पूछ रहा है, एट मॉलिक्यूल का मतलब हिस्टोन ऑक्टमर पूछा है, ये है आपका सही ऑक्टमर, ये भी सही गया। और द पीएच ऑफ हिस्टोन स्लाइट, ये गलत है बेटा, पीएच जो होता है बेसिक होता है, ये एसिडिक नहीं होता, यही चीज़ है आपको रॉन्ग जो मिला है, यही मिला आंसर। तो ये जो है यही चीज़ एसिडिक ना हो कि बेटा जानते रहे कि बेसिक होता है, तो हमने बताया था हाल बेहाल हो जाए एच ए एल, तो हिस्टोन जानते रहेंगे आर्जिनिन लाइसिन रिच है, और ये बेसिक है, और ट्रिक का नाम था इसका बेहाल, हाल बेहाल, तो आपको सीधे सीधे काम फिर कर गया है, जानते रहेंगे अच्छा खासा। तो सभी क्वेश्चन बेटा देखिए जितने ट्रिकी हैं सब कुछ आपके पढ़े हुए हैं, एक भी बाहर से नहीं, आपको 100 के 100 डिक्टो मिल चुका है, जानते रहेंगे। एक आध अगर बात करेंगे तो एक आधी छोड़ेंगे हम, नहीं तो 100% पेपर आपको पढ़ाया हुआ सब कुछ है। अगला स्टेटमेंट के बारे में बताते, देखा एक कोडान है एयूजी, ठीक है आयोजी जाओजी है, ये मिथुनी स्टार्टअप उड़ान दे रखा है, और ये है एंड फेनिलाली, गलत है बेटा ये फेनिलाली क्या नहीं होता, ये जानते रहेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कोडान के बारे में दे रखा है, जहाँ पे आपके बुक में जेनेटिक कोड के बारे में देखा है कौन से फीचर वहीं से दे रखे हैं। मान लो सेकंड है ए ट्रिपल ए एंड ट्रिपल ए जी बोथ कोडान कोड फॉर अमीनो एसिड लाइसिन, ये सही है, क्योंकि बेटा थर्ड में अगर हम चेंज करते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसे सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला वाला हो चुका है गलत। तो इस तरह से आपको देखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड बट जो होगा स्टेटमेंट सेकंड ट्रू, थोड़ा तिरछा तिरछा हो गया है, ध्यान देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है, बट सेकंड जो है ट्रू है, आपका आंसर ये हो जाए, ध्यान दें। तो आगे चलते हैं हम लोग 91 पे आ चुके हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफरेंस टू लिपिड के बारे में बेटा फिर से पूछ लिया है, लिपिड देख लो कितना काम कर, बायोमॉलिक्यूल देख लो भैया कितने क्वेश्चन लेके आया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मैंने इस पर ध्यान दिया था बेटा आपके लिए, अरे याद हो तो मैं उस दिन जब रिविजन शुरू किया था सेल वाली यूनिट ही पहले कवर किया था, अगर किसी को याद हो उस दिन जब आए थे आप 8 घंटे की क्लास में, शायद 9 तारीख थी, जो भी रहा हो ध्यान देंगे। फॉलोइंग आर दी स्टेटमेंट विच रिफरेंस टू, हाँ शायद 8 या 9 में जो भी रहा हो, फॉलोइंग आर दी स्टेटमेंट विच रेफरेंस टू लिपिड, लिपिड के बारे में पूछा है फिर से, क्या क्या चीज़ें करेक्ट पूछा है, ध्यान देंगे। कुछ स्टेटमेंट लिपिड सेविंग मल्ली वन सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड, ठीक है सिंगल बॉन्ड केवल बोल रखा है तो ये गलत हो गया भैया, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड हो जाएगा। लिसाइथिन फॉस्फोलिपिड ये सही बिल्कुल जा रहा है, बी आगे ट्राई कर, ये भी है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल का नाम है, जहाँ पे आप फार्मूला पढ़ते हैं भैया ग्लिसरॉल का, पेज नंबर जो भी 144-145 वहाँ से क्वेश्चन बनता है, बोला था उसके बिना नहीं जाना CHOH, एंड दिस वन इज CH2OH, एक ट्राई हाइड्रोक्सी, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 1, 2, 3 तीन कार्बन है भैया, तो ट्राई हाइड्रोक्सिल प्रोपेन सही है, तो आपका ये दो बी और सी के बाद डी है। पामिटिक एसिड में 20 दे रखा है जबकि गलत है, ये 20 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे जानते रहे पामिटिक एसिड में 16 होता है, 16 × 32 करके बताया था। एसिडोनिक एसिड में जानते रहेंगे फिर से गलत दे रखा है, एसिडोनिक एसिड में बेटा जानते रहेंगे आपको रीजन बता दो, एसिडोनिक एसिड जो ट्रू होता है यहाँ पे होता है 20, और पामिटिक एसिड में जो होता है जाके देखेंगे कार्बन होता है 16, इसलिए आपका बी और सी सही है, ये आंसर मिल चुका है फर्स्ट, ये गलत हो चुका है, ध्यान देंगे। आगे चलता हूँ 192 पे बेटा, आगे फॉलोइंग आर दिस स्टेटमेंट अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थमा, देखिए प्रोस्टोमियम पूछा है बेटा, तो आपको ध्यान देना है ये क्या है, यही कन्फ्यूजन, ये मैं प्रो मतलब पहले ना ठोक देना पहला सेगमेंट, ये गलत है, ये कराता है कवरिंग, इट सर्व एज कवरिंग फॉर माउथ, क्या पूछे हैं करेक्ट, करेक्ट में आते हैं बेटा, क्या क्या कराता है ये कवरिंग, इट हेल्प टू ओपन क्रैक इन द, इतना देखें इट इज़ वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर है, इट इज़ द फर्स्ट बॉडी की, गलत हो जाएगा, ये है बेटा कवरिंग जो कराता है, कवरिंग पार्ट बनाता है, कवरिंग पार्ट बनाता है, ये भी सही है, सही है, हेल्प द ओपन करता है क्रैक, इट वन ऑफ द सेंसेस फील करता है,
बट बस फर्स्ट बॉडी सेगमेंट का नाम होता है पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम जो होता है, पेरिस्टोमियम क्वेश्चन आते हैं, ये होता है फर्स्ट सेगमेंट। तो अर्थवार्म का जो फर्स्ट सेगमेंट है, दिस इज फर्स्ट सेगमेंट बेटा, ये है, ये ध्यान देना है। और ये ऊपर वाला जो है प्रोस्टोमियम कवरिंग पार्ट होता है, जो लोबुलर ऐसे निकला होता है, ध्यान देंगे। तो पूरी कहानी आपको पढ़ाया गया, जब आप अर्थवार्म देखते हैं बेटा ध्यान देंगे, तो पूरी कहानी मगर देखें, ये चीज़ जो निकला होता है ये पूरी कहानी है। ये जो निकला होता है यही पूछा है लोबुलर, दिस इज द, जाके देखेंगे दिस इज प्रोस्टोमियम पूछा गया था आपको। आगे रहेगा भैया छेद बनाने में काम, भैया छेद बना घुस रहा है, देखो बिल में ये जा रहा है, क्रैकिंग कर रहा है, बाकी कवर कर रहा है माउथ को, इसका ये माउथ मान लो ये है। इस तरह से पूरी कहानी आपको जाके देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा हमने निचोड़ बता दिया है, आंसर कौन सा सही था ये भी बता दिया हमने बेटा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें देख लेना भैया जो हमने आपको बताया है कौन कौन से इट इज़ द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट गलत है, तो आंसर हो गया है ए बी सी कहीं पर देख लें करेक्ट, ये भी टिक कर दूँ, शायद हमने नहीं किया होगा तो सर्व ये हो गया, तो ए बी सी जो है करेक्ट है बेटा, करेक्ट पूछा है, तो थर्ड आंसर पे जाएंगे। आगे चलते हैं 192 के बाद 193 पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्टेप इन मल्टीपल एवोल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में, क्या चीज़ नहीं करते वाउ की फर्टिलाइज बाई आर्टिफिशियल, सही है गलत, तो आपका ये है पहला वाला एकदम सही बेटा, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज एग आर ट्रांसफर टू सरोगेट मदर 8 से 32, ये भी सही, काउ जनरेटेड हार्मोन लाइक एक्टिव फॉर, ये गलत है, काउ इल्ड्स अबाउट 6 to 8, ये भी सही है। यहाँ देखिए ये जो काउ के अंदर डाला गया ये LH नहीं डाला गया था, डाला क्या गया था एफ एस चेस्ट डाला गया, ध्यान फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चूँकि फॉलिकल बनाना है हमको 6 से 8, एक भैया ये डाला गया था बेटा यहाँ पे दे रखा है ये, इसलिए ये हो गया आपका गलत, तो सॉरी आपका ये मैच कर गया है, मतलब नॉट पूछा तो यही हो जाएगा थर्ड। आगे आते हैं 194 पे सीधे देखिए, फिर से इकोलॉजी आ गया यहाँ से क्वेश्चन, फिर से बताया तो भैया बनता ही बनता है, अगर देखें यहाँ से मैच कराना है बेटा, एलेंस रूल जो होता है, बॉडी एक्सट्रीमिटी शॉर्टर होते हैं अक्सर पोलर रीजन वाले जो होते हैं सील वगैरह, तो ये है फोर्थ मैच कर गया है, दो जगह सब में फोर्थ दिया, चलो अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में आते हैं, कंगारू रेड ठीक है, ये भैया फैट बर्न करता, अगर याद हो किसी को फैट बर्न किया था जिससे वहाँ से अपनी कमी पूरा किया था, तो बी का चलो ठीक है, यहाँ पर सेकंड यहाँ भी आ रहा है, तो एक और देखते हैं हम लोग सी पे, सी का बिहेवियरल अडेप्टेशन बेटा, बिहेवियरल अडेप्टेशन दे रखा है इन्होंने एक में थर्ड एक में, हाँ ठीक है, तो मैच तो कर गया आपका यहीं से, एलेन का यहीं फोर्थ हो गया है, ए का फोर्थ और बी का हो गया है फर्स्ट, तो आपका ये जा रहा है फोर्थ, बी का फर्स्ट, एंड आगे चलते हैं थर्ड की बात करें, सी का, सी का अगर देखें भैया सी का थर्ड सी है बिहेवियरल अडेप्टेशन, डिजर्ट लीजर, एक मिनट देखेंगे इसको, डिजर्ट लीजर में आते हैं फिर से, एलेंस रूल पोलर हो गया बेटा, बायोकेमिकल अडेप्टेशन जो होता है ये मान लो ठीक, ए का फोर्थ बी का फर्स्ट जा रहा है, ये बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ बी का फर्स्ट, सी का थर्ड सॉरी सी का सेकंड, सी का जो बन गया बिहेवियरल अडेप्टेशन ये है ये। चले एक थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा अभी, क्योंकि मैच बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है, काफ़ी क्लोज हमको लगा इधर कहीं, लेकिन ये है आपका आंसर मिल चुका है, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं बेटा 195 फिर से मैचिंग है, सीधे देखें जो लोग फिर से क्लास किए होंगे भैया, सीधे एक ही हड्डी थी ट्रायंगुलर बोन, आगे कुछ काम ही नहीं बचा, ए का फोर्थ हो गया, चलो एक और ऑप्शन बी में चलते हैं हम लोग, बी का क्रैनियम बूटा पूछा है, क्रैनियम जो होता है फाइब्रस ज्वाइंट होता है, जानते रहेंगे हम लोग के, आगे और भी बता चुकी, सेकंड वाला भी एक फ्लैट बोन मान लो आए, तो सी का थर्ड पूछा है बेटा एक में, सी स्टर्नम फाइब्रस ज्वाइंट दे रखा है और सी का एक सेकंड दे रखा है इन्होंने स्टर्नम में, चलो फ्लैट बोन चपटी है, और डी का फर्स्ट दे रखे, वर्टिब्रल कॉलम जो है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, यहाँ भी दे रखा है, तो आपका ये जो आंसर है सही जा रहा है, ध्यान, तो ए का स्कैपुला फोर्थ हो चुका है, बी का जो हो गया है क्रैनियम, बी का बेटा हो चुका है सेकंड, बी का सेकंड हो चुका है क्रैनियम कपाल सॉरी बी का थर्ड ठीक है, बी का थर्ड हो चुका है, क्रैनियम के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है, जानते हैं हम लोग जो होता है इमूवेबल ज्वाइंट थे बेटा, ध्यान देना है, और सी का जो जा रहा है आपका फ्लैट बोन, ये ऐसे ऐसे मैच करा लो भैया ज़्यादा अच्छा रहेगा, डी का जो फर्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम में थोड़ा बहुत पाया गया मूवमेंट पार्शियल, ध्यान देंगे, इसलिए ये हो गया सही। आगे चलते हैं बेटा 95 के बाद आगे चलते हैं 96 पा चुके, रीजन इंसर्शन एक क्वेश्चन आ गया है भैया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, सिंपल से अगर आता कर लेंगे आप, ये पर्सन गोज टू हाई अल्टीट्यूड, एकदम से डाइजेशन वाले भी सॉरी रिस्पायरेशन भी पढ़ाते हैं इसको, सीधे इकोलॉजी में भी पर्सन हाई अल्टीट्यूड जाएगा भैया, याद करो
अल्टीट्यूड सिकनेस फील करता है, कुछ नाजिया, हाई पल्पिटेशन, याद करो ये आ चुका है देखो ये, और ब्रीदिंग में हमने बताया था ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, ड्यू टू क्यों बढ़ा, ड्यू टू लो एटमॉस्फेयर, सही एकदम सीधे सीधे आंसर लो, ये भी सही है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है जिससे कि उसकी बॉडी डज नॉट गेट सफिशियंट, सही एकदम सही है बेटा, ए भी सही है, आर बी फॉल्स, ए टू आर गलत, एफ ये भी गलत, बहुत सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधे बताया था भैया जब रोजी चिक्स हो रहा आरबीसी बढ़ता है, याद करो हार्ट रेट बढ़ा, ब्रीदिंग रेट बढ़ा बेटा, जानते रहेंगे वहाँ पे जानते रहेंगे, एक चीज़ बताया था परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो गया था चूँकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, ये भी बताया था हमने, तो ये भी कहानी हो गया 196 खत्म हो गया है। आते हैं 97 में हम लोग, 197 क्वेश्चन पे आ चुके बेटा, ये भी फिर डिजीज से आ गया, फाइलेरियासिस सीधे उचेरिया बंक्रेप्टाइज दिख रहा हो, ठोक दें ए का थर्ड, देखो इतना लुल क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे पहली बार ही मैचिंग करा दिया आपने, बाकी तो कुछ सोचना ही नहीं था। बी का फोर्थ में एंटामीबा हिस्टोलाइट क्या है भैया, ये आपको देख ही चुके हैं, ए का फाइलेरियासिस थर्ड हो चुका है, सी का फर्स्ट हो ही चुका है निमोनिया, सी का फर्स्ट हीमोफिलस इन्फेंजी एंड डी का सेकंड हो चुका है बेटा रिंगवर्म, ये है ट्राइकोफाइटन दांत खाद खजली, इस तरह से आपका आंसर जो गया है ये गया है फोर्थ वाला, ये हमने बाहर दिया है। आते 198 पे, 198 आइडेंटिफाइड टाइप्स ऑफ द जंक्शन, ये देखिए फिर सबने भैया उस दिन टिक करवाया था, जो लोग आए होंगे देख लेंगे, जंक्शन जहाँ पे एनिमल टिश्यू वाला पार्ट वहीं पे है, ये सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप, हेल्प करना स्टॉप लीकेज को, स्टॉप बंद करना है, इसका मतलब खूब टाइटली चपक के पैक रहेगा तबीयत नहीं लीक होगा, खत्म हो गया, ये इसका टाइट जंक्शन, और जो थोड़ा ढीला ढाला होगा अगल बगल से लेन देन होगा, देखो ट्रांसफर हो रहा है, जो ढीला ढाला होगा अगल बगल से लेन देन होगा, तो गैप जंक्शन से लेन देन होगा, टाइट होगा तो ये क्लोज रहेगा, ये फोर्थ बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 99 पहुंच चुके, ए 199 भैया, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर, मस्कुलर कंडीशन क्या होगा भैया, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, देखो याद करो भैया बेस्ट थ्योरी थी बेटा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, अगर याद हो तो आपको, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में होता है डार्क वेंड, ए वेंड कांस्टेंट, बाकी सब घटा देना, कुछ उससे मिलता जुलता ट्रिक काम कर जाता है, ध्यान देंगे, देखिए क्या क्या दे रखा है, बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग जोन, ठीक है ये डिसअपियर होगा, सही बात है भैया, ए वेंड वाइडन गलत हो गया, ए वेंड जो होता है कांस्टेंट होता है, ए वेंड क्या होता है ये कांस्टेंट होता है, तो गलत हो चुका है, आई बन रिड्यूस हो जाएगा, ये भी सही है, मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी, ये भी सही है भैया, मायोसिन से एटीपी जुड़ा था हाइड्रोलाइज हो जाता है, जेड लाइन अटैच टू रिएक्शन पुल इन, ठीक है, सार्कोमियर की डिस्टेंस डिक्रीज करती है, सार्कोमियर है तो सार्कोमियर में खिंचाव आएगा बेटा, ये पुल डाउन ऐसे होगा तो कम हो जाएगा, ध्यान देंगे, तो सब सही है केवल केवल बी को छोड़ के, तो बी सी डी ई ओनली करेक्ट पूछा है ना, तो आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या करेक्ट है, ए बैंड वाइडेंस गलत है, ए सही हो गया है, सी डी ई, ए सी डी ई, ए सी डी, ये है ऑप्शन थर्ड, ए सी डी ई सही है बेटा, ध्यान दें, इन्होंने कई बार सोच समझ किया है, कटपिट मचाया लेकिन सही पहुँचे बाद में लास्ट, चलें तो लास्ट में 200 क्वेश्चन पे आ चुके हैं भाई मेरे, 200 बस, केवल अभी तक एक ही दो क्वेश्चन थे जो थोड़े टफ कैटेगरी में थे, बाकी आपने देखा दो तीन के अलावा कुछ भी नहीं है, दो ही तीन मानेंगे हम, हार्डली तीन मान सकते हैं, उसके अलावा सब एकदम एवरेज है और कुछ ईजी में आएंगे, ध्यान देंगे, मैक्सिमम मिडिल वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको बेटा, 200 में फिर से मैचिंग करना था, और आपको याद हो हमने बताया था इवोल्यूशन में कुछ पढ़ना न पढ़ना, लेकिन होमोलागस एनालागस पढ़ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी वेनबर्ग लॉ भी बताया था उसके साथ साथ, और एक चीज़ पढ़ाया था जो मिलर का एक्सपेरिमेंट था इतना, लेकिन उसमें आप देखिए आधा चीज़ आ चुकी सीधे सीधे इस पेपर से, मैच कराना था बेटा फिर से, अगर देखिए अडेप्टिव रेडिएशन सीधे सीधे डार्विन फिंचर्स दिख गया, ठोक दो, एक का हो चुका है फोर्थ, मैच कर चुका है और कुछ मैच ही नहीं करना है, सीधे खत्म हो जाता है यहाँ पे, देखो ऐसा ऑप्शन में आया, एलिमिनेट हो गया पूरा ऑप्शन ही, बी का थर्ड पे आ जाओ भैया, कन्वर्जेंट है तो बी का थर्ड ये है, चूँकि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और ये बेटा जो होते हैं दोनों का फंक्शन सेम होता है, ये एनालॉगस होते हैं, और एनालॉगस हमने ट्रिक बताया था एसी नाम से, एनालॉगस जो होते हैं बेटा सी से रटे रहें कन्वर्जेंट शो करते हैं, ये कन्वर्जेंट शो करते हैं, और जो होते हैं होमोलॉगस वो डाइवर्जेंट शो करते हैं, ध्यान देंगे, सी का सेकंड हो चुका है डाइवर्जेंट लुक्स, ये हो चुका है बोन्स ऑफ ये, तो डाइवर्जेंट जो होता है ये एच डी होमोलॉगस शो करते हैं बेटा, तो होमोलॉगस जो आर्गन होते हैं डी से रटे रहेंगे, एच डी नाम से बोलते हैं, एच डी ट्रिक से होमोलॉगस से ये और ए सी ये रटे रहेंगे, और लास्ट में आपका इवोल्यूशन एंथ्रो आगे दे रखा है, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन जो दे रखा है बेटा दैट इज एक ऑप्शन डी का फर्स्ट है, दे रखे हैं वेरिएशन ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ हेटेबल, ठीक है, इस तरह से बहुत ईजी हो चुका था, ये आपका अंतिम मैचिंग था बेटा जैसे कि थर्ड वाला, इस तरह से आपने पूरा मैच करा दिया, सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट, पूरा एक्सप्लेन कर दिया विद रीजन एक एक करके आपको धांसु तरीके से, और आपको जाके मैच कराए जिस दिन आपको बड़ी क्लास लगी थी, अगर जो लोग बैठे होंगे या जो लोग पढ़े हैं यहाँ पे, तो पूरा का पूरा पेपर आपके नोट्स या पूरी एनसीईआरटी बेस्ड जो नोट्स है वही है, उससे छप के आए, ध्यान देंगे, दो तीन क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड कैटेगरी में आएंगे, बाकी मैक्सिमम मिडिल एवरेज क्वेश्चन थे, तो
ये आपका पूरा पेपर, जाके मैच कराएं। विश यू ऑल वेरी बेस्ट फॉर रिजल्ट। मिलते हैं जल्दी। टाटा बाय बाय, टेक केयर बेटा, थैंक यू।